Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama गुरुपाद पद्मा मिथिलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा मिथिलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण स्वर्ग में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भैया भाई ने सभी को भैया हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री राधा रानी कैसे रावल में जन्म लेते, लेकिन आप लोग श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पढ़िएगा, लेकिन वहां पर कहीं श्री राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप में कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए कुछ कुछ लोगों का कहना है, जैसे वृंदावन में जाओ किसी को कृष्ण कृष्ण किसको बोलते हो मिलेगा नहीं, वृंदावन में क्या बोलते हैं? राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से राधे राधे। तो वृंदावन में सबके श्री श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, बोले आप इतने राधे 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 बोलते हो, ये भागवत में श्री राधा जी का फिर नाम क्यों है? इसलिए डायरेक्ट ग्रंथ को पढ़ना कहीं राधा जी के नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर किसी संतों के आनुगत्य में ये भागवत ग्रंथ पढ़ना, आप भागवत में देखोगे राधा जी का नाम के छोड़ करके और कोई नाम है ही नहीं। बोले ये ग्रंथ का नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम। बोले श्रीमद् का मतलब क्या? बोले श्री मतलब श्री राधा रानी और मद मतलब होता है प्रेम। ये भागवत केवल श्री राधा रानी का प्रेम ही है, इसमें और कुछ ही नहीं। एक उदाहरण दिया, कोई एक सेठ था, वो खूब पैसा कमाता है, लेकिन सारे पैसा किसको देता है? बोले सेठानी को। वो सेठानी अलमीरा में लाख लाख रुपया की गड्डी के गड्डी सजा कर गई और हीरे जवाहरात सोने चांदी अलमीरा में सजा करके रखती। एक दिन क्या हुआ, वो जो सेठानी थी वो हो गई दीवानी, पागली भी हो गई, और जितने पैसा हीरे जवाहरात लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी लेकर छत ऊपर में गई और उसने उसको लुटाना शुरू। लुटाया तो जितने दुखी दरिद्र थे वो लाख लाख रुपया की घट्टी हीरे जवाहरात को उठा उठा कर ले गए और माला माल हो सबके सबसरी माला माल हो गई। बोले ये सेठ कौन है? बोले श्री सावरिया सेठ, श्री बांके भी है। ये तो खूब पैसा कमाता है, लेकिन ये पैसा रखता है कहाँ पर? बोले सेठानी को पास में। बोले उस सेठानी कौन है? राधा रानी। इनको पास में सारे पैसा इनको पास में रखती है, क्योंकि इनकी कृपा के बगैर ना वो कृष्ण प्रेम को कोई प्राप्त ही नहीं कर सकते। इनकी कृपा से ही कृष्ण धन मिलता है और राधा रानी अपना कृष्ण का प्रेम संपत्ति को उन्होंने पूरा अलमीरा में सजा सजा कर रखी थी। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके छत के ऊपर में गई और जितने कृष्ण श्री सावरिया सेठ ने जितने धन दौलत हीरे जवाहरा श्री राधा जी को पास में रखा था, राधा रानी छत के ऊपर खड़े होकर उसने लुटाना शुरू की और लुटाया तो आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम के जो दरिद्र हैं, कृष्ण प्रेम के जो कंगाल है, उठाया लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी हीरे जवाहरा और हम सबके सब माला माल हो गए। किस चीज में माला माल हो गए? राधा रानी कृष्ण प्रेम की सब माला माल हो।
इसलिए बोले ये श्री भागवत नहीं, ये श्रीमद मतलब श्री राधारानी कृष्ण प्रेम में जब दीवानी बनती है, बन करके जो धन तो लुटाती है, ये भागवत नहीं, राधा रानी कृष्ण प्रेम भक्ति को ये लुटा रहे हैं। हम कथा नहीं सुन रहे, हम क्या कर रहे हैं, भगवान प्रेम को हम सबके सब यहाँ लूट रहे हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की। अभी प्रश्न है, फिर भी भागवत ग्रंथ में श्री राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं दिया, इसका क्या रहस्य है? तब हमारे टीकाकारों ने बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई, क्यों भागवत में राधा जी का नाम नहीं। भागवत का पहला टीकाकार एक हुए जिनका नाम था श्रीधर स्वामी, बहुत बड़े संत हुए। उन्होंने बताए कि ये जो भागवत बोलने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी, बोले सुखदेव कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चो प्रिय चुंबनीना एकांत रहस्य पारी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। बोले ये सुखदेव गोस्वामी कौन है, बोले ये राधा जी की ये प्रिय सुख है, ये राधा जी की ये प्रिय सुख श्री सुखदेव गोस्वामी। जब ये एक बार श्री राधा रानी का नाम लेती थी वो 6 महीना तक ये बेहोश हो जाती थी। उन्होंने देखा एक बार राधा जी का नाम लूं, अगर 6 महीना अगर बेहोश हो गया, अभी हमें कथा तो 7 दिन का अंदर में सुनाना, अगर 6 महीना बेहोश हो गया तो फिर कथा कैसे सुनाऊंगा। इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम तो उन्होंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि ये पहला कारण है। आप लोग सुन रहे कि नहीं, सबको सब सुन रहे, कल सबको पूछूंगा कब ने क्या सुना, ठीक है। कहते ये पहला कारण है, कहते दूसरा कारण है क्यों भागवत में राधा जी का नाम नहीं। दूसरा उदाहरण दिया जैसे मेहंदी पत्ता, अब लोग मेहंदी पत्ते देखे हो, बताओ तो उसका रंग कैसे, बोलो हरा है। क्या वास्तव में मेहंदी पत्ता हरा है, वो हरा नहीं पर क्या है, लाल है, लेकिन ऊपर से क्या दिखती है, हरा हरा दिखती है। पर तो उसको पीसो, उसको पीसो तभी क्या दिखेगी, हरा हरा दिखेगी। पर जब आप लोग जो मेहंदी लगाते हो, जब लगाए जब सूख जाती है फिर कौन सा रंग हो जाता है, लाल। उसी तरह ये भागवत ग्रंथ में ऊपर में तो दिखती है हरा 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 हरा, मतलब कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन इसकी अंदर में देखो ना छांक करके, वो कृष्ण नहीं है, फिर अंदर में कौन है, अंदर में श्री राधा का रानी का नाम है, हाँ दिखती है हरा हरा। इसका तीसरा कारण बताए, क्योंकि जो राधा रानी की जो भक्ति ये दुर्लभ, उदाहरण दिया राधा रानी का जो भक्ति ये कुए, कुए का पानी है, और जो कृष्ण की भक्ति है जैसे बहता हुआ नदी का पानी, जैसे बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते हैं, एक इंसान भी पी सकता, एक जानवर भी पी सकता, एक पक्षी भी पी सकता, सब ये कुएं नदी का पानी पी सकते हैं, लेकिन कुएं का पानी सब नहीं पी सकते हैं। कुएं का पानी कौन पी सकता है, वही पी सकता जिसको पास में कोई रस्सी हो, कोई पात्र हो, वही डाल करके फिर कुएं का पानी पी सकता है। आप तथा नदी में कपड़ा साफ कर रहे, स्नान कर रहे, जानवर को भी स्नान कराते, सब नदी पानी में बहते हुए जाती है, सबके नदी पानी में, लेकिन कुएं का पानी देखोगे ना एकदम ठंडा निर्मल है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, हाँ वो पवित्र है। कहते उसी तरह जो राधा जी की जो भक्ति, कृष्ण भक्ति तो सब कर सकते हैं, लेकिन जो राधा जी की भक्ति है ना, कहते राधा जी का भक्ति सभी कर ही नहीं सकते हैं। कौन कर सकता है, जिसको पास में कोई रसी कोई पात्र हो, वही केवल राधा भक्ति कर सकते। मतलब क्या है, बोले मतलब है जब तक कोई रसी की परंपरा में नहीं आए तब तक उसको राधा जी की भक्ति नहीं मिलेगी। राधा जी की भक्ति करने के लिए कोई रसी परंपरा चाहिए, जो सचमुच से राधा जी की भक्ति में जो सराबर हो, तभी वही हमें राधा जी की भक्ति दे सकते, और कोई राधा जी की भक्ति हमें नहीं दे सकते।
इसलिए हमें ऐसे संतों से जुड़नी चाहिए जो वास्तव रूप में से ही राधा रानी की जो कनिष्ठ होकर के भक्ति करे। देखो आपने भी छोटी सी कहानी सुना था, वो ये एक संत राधा कुंड में रहते थे। राधा कुंड गए हो, गिरिराज गोवर्धन जो राधा कुंड है, क्या वो संत एकनिष्ठ से राधा जी की भक्ति करने वाले। जब राधा कुंड में बैठ कर को भजन करते थे, उनकी मन एकदम राधा जी के चरण में आविष्ट हो जाता था, बड़ा मस्ती आता था राधा जी की भक्ति। एक बार वो संत की मन में इच्छा हुई, थोड़ी सी हम द्वारका जाकर घूम-घाम कर आए, फिर सोचा जब हम राधा कुंड में राधा जी के चरण में रह रहे हैं तो ये द्वारका जाने का क्या जरूरत है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी मन में होता था एक बार द्वारका देख करके आओ। एक दिन कोई ब्रजवासी था, बोले बाबा मेरे मन में द्वारका जाने की इच्छा, लेकिन कोई संगी नहीं मिल रहा, अब जाओगे? बोले हाँ, मन में कभी तो इच्छा हुई थी लेकिन अभी कोई इच्छा नहीं। बोले बाबा चलो ना, खर्चा पानी की कोई चिंता मत करो, खर्चा पानी में सब कुछ दूंगा, लेकिन मेरे कोई एक संगी होनी चाहिए। सोचा एक बार घूम ही आता हूँ, और द्वारका गए, द्वारका को घूम घाम करके आए, और द्वारका में जा करके वहां पर छाप होता है शरीर पर, शंख चक्र गदा पद्म की, वो तपा करके पात्र को शंख चक्र गदा पद्म की छाप लगाते। उसने छाप लगा करके ब्रज में आए, जब राधा कुंड में बैठ करके राधा जी की चरण को स्मरण करने के लिए चाह, और राधा जी की स्मरण हो ही नहीं, किसी तरह से राधा जी की चरण का स्मरण नहीं होता है। मन छटपट छटपट करने लग गया, बोले क्या हो गया, मेरा क्या अपराध हो गई, राधा जी के चरण के स्मरण क्यों नहीं होता है। इतने में आकाशवाणी हुई, राधा रानी बोली बेटा इसी जीवन में और मेरी कृपा तेरी पर हुई नहीं, एक तो तू मेरे चरण छोड़ कर गया, दूसरी गया तो गया वहां से तुमने ये जो शंख चक्र की जो छाप लगा कर आए हो, ये जो चिन्ह है भगवान नारायण के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह है। कहते जो द्वारका भक्ति करते हैं और जो वैकुंठ भक्ति करते हैं वो सब शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह लगाते हैं, अभी ये वैकुंठ का चिन्ह तुमने लगा करके आए, अभी मेरी कृपा तेरे ऊपर है और उस जीवन में कोई भी नहीं। वो संत ने देखा जब राधा जी की ही कृपा हमें नहीं मिलेगी तो ये प्राण रखकर भी क्या लाभ है। उन्होंने बैठ करके अपना जोगाग्नि को द्वारा उन्होंने अपना शरीर से उन्होंने जोगाग्नि को प्रकट की, प्रकट करते हुए उसी शरीर को उसमें ही खत्म कर दी, उसी शरीर को उसमें जला करके राख बना दी। देखो यहाँ शिक्षा देते जो भक्ति है ना वो एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ से राधा जी की कृपा नहीं मिलती है। आज इसको पास में चले गए, कल उसको पास में चले गए, कल उसकी पूजा कर दी, तब राधा रानी ठोकरा देगी हमें, राधा रानी हमें ठोकरा देगी, प्राण हमें कहेगी नहीं। इसलिए राधा रानी की भक्ति हमें एकनिष्ठ होकर के श्री राधा रानी की भक्ति करनी चाहिए। बोले श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत में राधा रानी का तो नाम सर्वत्र है, राधा जी का नाम छोड़कर भागवत में कुछ नहीं है। और इस भी प्रश्न है, फिर उन्होंने राधा जी का नाम स्पष्ट रूप में क्यों नहीं दिया। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी से प्रश्न की, बोले हे राधे आपका नाम को ये भागवत ग्रंथ में हम किस रूप में ग्रहण करें। राधा रानी कहती है देखो मेरे नाम को तो लेना लेकिन स्पष्ट रूप में नहीं लेना, उसको छुपा करके रखना। इसलिए उन्होंने कहीं पद्म रूप में, कहीं गोपी रूप में, कहीं श्री रूप में, कहीं उन्होंने ऐसे लक्ष्मी रूप में नाम को लिया, लेकिन स्पष्ट रूप में श्री राधा जी का नाम को उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। जैसे कोई प्रेम है ना, अगर उसको छुपा करके रखो तो उसकी सौंदर्यता रहती है, उसको छुपा करके रखो तो सौंदर्यता रहती है,
अगर मुंह में बोल दिया ना फिर प्रेम नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रेम को हृदय में छुपा करके हमें रखनी चाहिए। इसलिए अभी कृष्ण, कल हम लोगों ने श्रवण किया था, कृष्ण पुतना को उन्होंने मारे, सबसे पहले उन्होंने पुतना को मारे। अभी कृष्ण धीरे धीरे कृष्ण बड़े हो रहे, बोले कितने बड़े हो गए, कृष्ण अभी 3 महीना की हो गए। एक दिन कृष्ण उन्होंने अपना करवट को ले लिया, मैया को तो बड़ा आनंद हुआ, लाला को शरीर में ताकत आ गया है, लाला आज ने करवट ली, आज घर में उत्सव मना, सारे ब्रज गोपियों को नौकर दे दी, मेरे घर में आओ, आज हम घर में करवट लेने का हम उत्सव मनाएंगे। मैया यशोदा ने किया कि अपना आंगन को अच्छे तरह से उसने साफ सुथरा करके घर का जितने दूध दही था वो बैलगाड़ी को ऊपर में है? एक बैलगाड़ी को ऊपर में उन्होंने उसको रख लिया। अभी सब ब्रज के गोपियां आई आंगन में बैठे घर के, बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण की भजन गा रहे थे, बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम अपना भजन का आनंद बोलो।
अभी कृष्ण 3 महीना अभी उनको घुटन करके चलना आता ही नहीं। इतने में कृष्ण सोचा अगर मैं जोर जोर से रोता हूं ना फिर तो क्या होगा, मैया मेरे को यहाँ से उठा करके ले जाएगी। इतने में कृष्ण जोर जोर से कृष्ण रोना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मैया तो लेन देन में लगी हुई थी, अभी उनको कान में सुनाई नहीं पड़ा। कृष्ण तो रो गए, थक गए, फिर कब तक रो, इतना तो रो ही लिया। इतने में कृष्ण की इच्छा जो योग माया ने किया कि कंस को प्रेरणा की और कंस ने उन्होंने श्री त्रिनागर से सकटासुर को भेज दिया। ये सकटासुर पहले हिरण्याक्ष का बेटा ये उत्पन्न हुआ। एक दिन उसने ये ऋषि की आश्रम में प्रवेश करते हुए उनका जो बाग थी सारे पेड़ पौधा उनको उन्होंने तसनस कर दी। और ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले भगवान तेरे को इसलिए इतने मोटे छोटे बनाए और संतों की बात को उजाड़ने के लिए मैं तुमको अभिशाप देता हूँ। जिस शरीर में तुम्हारी इतना अभिमान है ये तुम्हारी शरीर ही खत्म हो जाएगा, शरीर ही नहीं रहेगा। बोलते ही धीरे धीरे उसका शरीर गायब होने लग गया, उसने सारे नशा उतराए, ऋषि की चरण में गिरी पड़ी। बोले मेरे अपराध को माफ कर दो, मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में श्री नंद की लाला बन करके तभी उनकी चरण स्पर्श तेरे को मुक्ति मिलेगी। अभी वो सकटासुर आ गया गोकुल में, देखा कृष्ण कहाँ पर, देखा ये बैलगाड़ी को नीचे कृष्ण लेटा हुआ और उसने आकर के बैलगाड़ी के ऊपर में सवार हो गया। सोचा धीरे 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 ये गाड़ी को मैं दबा दूं और जो नीचे कृष्ण लेट हुए हैं बस ये पीस जाएंगे सबके सब। जब उसने दबाने लगा इतने में कृष्ण धीरे 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 अपना चरण दूर में चलाना शुरू किया और चरण चलाते चलाते ऐसे ठोकर मारी गाड़ी में, वो गाड़ी एकदम पलट गई। जितने सारे वो ब्रज को भी बैठ करके कीर्तन कर रही थी, बोला भैया तुम्हारे कुछ लेगी ये गाड़ी पलट तो पलटी कैसे। सबके सब भागते हुए आए, सखाओं ने देखा था ये कृष्ण का चरण का स्पर्श से ही ये गाड़ी पलट गई। सखाओं ने बोले भैया भैया हम बताएंगे गाड़ी पलटी कैसे कैसे। बोले कैसे, बोले लाला की चरण की ठोकर से। बोले तो पागल हो गए हो, अरे हाँ लाला अभी 3 महीना की और इनके चरण की ठोकर से गाड़ी पलट गई। लेकिन मैया को ये बात पर विश्वास नहीं हुई, मैया ने विश्वास नहीं की। इतने में उन्होंने कृष्ण को ला करके बीच में लेटा दिया और उन्होंने प्रभु जी की कीर्तन किया। कृष्ण बोले मैं तो यही आनंद पाना चाह रहा हूँ, अगर मेरे को पहले ले आते इतना नटखट में करता जी करता जी। हाँ देखो कभी ये लीला के द्वारा भगवान ने शिक्षा हमें दे दिया। सावधान से सुनो ये कथा से कुछ शिक्षा लेकर के जाओ। हो रही थी उत्सव, लेकिन उन लोगों ने किया क्या, कृष्ण को उत्सव से उन्होंने अलग रख दिया। कहाँ लेटा दी, बोले बैलगाड़ी को नीचे, और घर का जितने दूध दही मक्खन को कहाँ रखती, बोले बैलगाड़ी के ऊपर। मतलब होता है कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, जैसे घर में उत्सव हो रही है, सारा दुनिया को हम बुलाया, सारे परिवार को हमने बुलाया, घर में उत्सव हो रहा है आओ आओ, सारा दुनिया को चकाचक भोजन खिला रहे, सारा दुनिया को बढ़िया खिला रहे। लेकिन हमें जो सब कुछ दिया है वो घर में ऐसे बैठा हुआ, वो घर में ऐसे को ऐसा वो घर में बैठा हुआ। रोज रोज हम 3-3 बार साड़ी बदलाते हैं, ध्यान देकर सुना, 3-3 बार घर में हम साड़ी अपना बदलाते हैं 3-3 बार। लेकिन हमें जितने सब कुछ दिया घर में, वो गोपाल जी बैठे हुए नहीं तो ठाकुर बैठे हुए, वो 5-10 दिन से एक पोशाक पहन के वो बैठे, जिसने हमें कपड़ा लगता सब कुछ दिया वो तो 10 दिन से एक कपड़ा पहन कर बैठे हुए। लेकिन हम क्या कर रहे, दिन में 3 बार ड्रेस को बदला रहे, सारा दुनिया को बुलाया अपना घर भी बुला करके, जैसे बच्चे का बर्थडे बनाया, शादी शुदा शादी कर रहे, उल्टा पुल्टा
बना करके सारा दुनिया को हम खिला रहे हैं, लेकिन हमें जिसने सब कुछ दिया है ना, वो घर में ऐसे बैठा हुआ, भूखे में बैठा हुआ। हाँ, हम लोग क्या क्या कहते हैं, बोले नहीं हम तो ठाकुर को भोग लगाते हैं। बोले कैसे भोग लगाते हैं, देखो हम कैसे भोग लगाते हैं, ठाकुर को थोड़ा सा बाता सब दिया क्या, नहीं तो एक ग्लास कोई दूध दे दिया, लेकिन घर में स्वयं शाही पनीर, मटर पनीर, राजमा चावल, कढ़ी चकाचक बना कर खा रहे। लेकिन ठाकुर जी क्या खा रहे, ठाकुर जी थोड़ी बाता सा, नहीं तो थोड़ी सी एक ग्लास दूध दे दिया, ठाकुर जी वही खा लिया। देखो हमारे गुरु जी कहते थे, जैसे तुम्हारे घर में एक नौकर रहता है, वो नौकर क्या करता है, घर में बढ़िया बढ़िया खाना बना बना कर खाता है, लेकिन मालिक को जैसे तैसे बना करके उसको सामने रख लेता है, जैसे तैसे मालिक को दे दिया थोड़ी सी, लेकिन खुद क्या कर रहा है, बढ़िया चकार भोजन बना कर खुद खा रहा है। अगर ये मालिक को पता चलेगा नौकर ऐसे कर रहा है, बताओ तो आप लोग क्या करोगे, बताओ आप लोग क्या करोगे, घर में क्या करोगे, नौकर को भगा देंगे, निकाल दोगे ना। यही चीज इतना कम से कम समझ कर जाओ, घर का मालिक हम ना, घर का मालिक ठाकुर जी है। बताओ घर का मालिक कौन है, मानते हो, मानते हो, एकदम नहीं मानते। जैसे हमने कोई पुतला को घर में रख दिया, कोई पुतला को घर में बैठा दिया, घर में क्या ठाकुर जी सब देख रहे कि नहीं, ये नहीं चल पाएगा, ठाकुर जी सब देख रहे, छोटा है छोटा, इसलिए ऐसे कभी नहीं होनी चाहिए। अभी रख लो, अभी रख लो, घर में प्याज लहसुन तो फेंक निकालना, बड़ा वाला स्टैंड में घर से प्याज लहसुन, अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, ठाकुर जी को खुश रखना चाहते हो, पहले प्याज लहसुन को घर से पहले निकालो और शुद्ध रूप में खाना बनाओ, बना करके भगवान को पहले भोग ठाकुर जी को लगाओ, फिर क्या करो, फिर प्रसाद बच्चों को खिलाओ, पतियों को खिलाओ, पहले तुम खाओ, नहीं तो भगवान क्या करेंगे, ऐसे ठोकर मारेंगे ना प्यार में, जैसे भगवान ठोकर मारे ना, सारे दूध दही को उन्होंने तसनस कर दिया, नहीं तो घर में ठाकुर जी ऐसे ठोकर मारेंगे फिर। इसलिए घर में दुख कष्ट अशांति, हमारे पास में कोई आए थे, बोले बाबा हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं, खूब पैसा है सब कुछ, लेकिन बाबा घर में हमें शांति नहीं, घर में हमारा शांति सुख नहीं। मैंने कहा भगवान की भक्ति करते हो, ठाकुर जी को भोग भोग लगाते, बोले नहीं लगाता। बोले भैया मेरे शांति सुख तुम्हारी कहां से आए, शांति सुख तुमको कहां से मिलेगी, जिसने शांति सुख देने वाले तो उसको तो पीछे रख दिया है और तू कहीं आगे रख लिया। इसलिए घर में क्या करो, भगवान को भोग लगाओ और घर में जो कुछ करो पहले ठाकुर जी को अर्पण करो, अपना लिए और अपना बेटे के लिए कपड़े खरीदी करने से पहले बेटा का कपड़ा पहले मत लाओ, पहले ठाकुर जी को लाओ, अपना साड़ी पहले मत खरीदी करो। देखो घर में जो ठाकुर बैठे हुए उनके लिए कितना हमने कपड़ा, बोले ना ठाकुर को तो 2-3 सेट है, तो तुम्हारी घर में तुम्हारी कितना कपड़ा, अपना अलमीरा में हैंगर में कितने साड़ी लटका करके रखे। इसलिए पहले भगवान को, द्रौपदी का नाम सुने हो, एक बार भगवान के अंगुल देख ले, कृष्ण के वहां पर 16,160 पदरानियां थी, लेकिन वहां पर द्रौपदी भी थी। अभी अंगुल कट गया तो क्या करो, बैंडेज करो, इतने में द्रौपदी ने अपना इतने कीमती साड़ी को उन्होंने सोची नहीं। द्रौपदी ने क्या की, भगवान देखते देखते उनके सामने उन्होंने अपना साड़ी को फाड़ दी और फाड़ करके भगवान के अंगुल को उन्होंने बैंडेज कर दिया। कृष्ण इतने रीझ गए, सोच रहे थे कब मेरे को सुजोग मिले, ये द्रौपदी का ऋणी में चुका, कब द्रौपदी की ऋणी चुका, जिस समय भरी सभा में, जिस समय दुशासन उसका लाज ले रहा था द्रौपदी का, कृष्ण स्वयं वस्त्र रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए। 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे साड़ी की नारी, नारी बीच कोई सारी है, ऐसे भगवान देने वाले। सुदामा का 2 मुट्ठी चिड़वा खाए, त्रिभुवन का राज्य दिया, लेकिन इसी जगत में देखो अपने बेटे को गर्भ में 9 महीना तक धारण किया, प्रसव पीड़ा को सहन की, कितना कष्ट से मुंह की खाना निकाल करके आपको खिलाया, गिली में सो करके सूखे में बेटे को सुलाया, लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाता है, जब घर में शादी होकर बहू आ जाता है,
मेरे पिता माता की बात नहीं सुनता, नहीं सुनता है। हम तो इसी के लिए कितना करते हैं, लेकिन भगवान के लिए, लेकिन अगर इनके लिए इतना करोगे ना, भगवान हमारे लिए इतना करेंगे। इसलिए क्या करो, घर में पहले अपना जो ठाकुर है ना, गोपाल होएंगे नहीं तो राधा कृष्ण होएंगे, सवेरे नहा धो करके पहले ठाकुर जी को अच्छे तरह से श्रृंगार करो, ठीक है। तो मेरे तरफ से देखो, ये लोग जो कथा करा रहे हैं ना, इनका घर में कभी इनका घर में आए हो? कौन कौन आए इनके घर में? इनके घर में ठाकुर जी को देखा है? कैसे ठाकुर जी, कैसे कितने सुंदर ठाकुर को श्रृंगार करते हैं, देखोगे ना मुक्त हो जाओगे। इतने सुंदर एक एक दिन अंदर में ठाकुर को सुंदर रोज सुंदर श्रृंगार करते हैं। घर में अलग ठाकुर जी की इसका स्क्रीन देखना, ठाकुर जी के लिए सुंदर घर बनाए, रोज रोज इतने सुंदर ठाकुर को सजाते हैं अद्भुत रूप में। इसलिए अगर कभी ठाकुर को सेवा सीखना चाहते हो, आप बुरा मत मानना, कभी इनको घर में आकर देख आना, कैसे ठाकुर जी को वो श्रृंगार करते हैं। इनकी जो बहुत बड़ी सुंदर भजन गाती है, घर में बैठ करके ठाकुर जी की भजन सुनाते हैं, ठाकुर जी को पूरा परिवार बैठ जाते हैं, बैठ करके कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी को भजन सुनाते हैं, फिर बच्चों के ऊपर में फिर अच्छे प्रभाव अच्छे असर पड़ता है। तभी तो उन्होंने एक परिवार भक्ति में जुड़े, आज उनका परिवार कुछ भक्त लोग आए थे, मुझे मदन मोहन को बच्चा ट्रांसलेशन कर रहा है अंग्रेजी में, हैं? वो बोल रहे थे एक बेटा ही उनका सारी जो परिवार थे ना, वो सारे परिवार को जोड़ दिए, और उन्होंने सबके सब उन्होंने सबको उन्होंने भगवान का नाम दिलवाया, और ठाकुर जी की सबको माला दिलवाया, घर में माला करो, कीर्तन करो, भजन करो, हैं? पिछले वंश का अगर एक बेटा अगर प्रभु जी की भक्ति में लग जाए ना, उसको इक्कीस पीढ़ी उसकी इक्कीस पीढ़ी उदार हो जाते हैं। इसलिए घर में रोज अच्छे तरह से उदाहरण दिया, जैसे अपना शरीर को बढ़िया करके सजाओ, बढ़िया करके श्रृंगार करो, और शीशा को सामने खड़े हो जाओ, आप देखना इस शरीर को हम जैसे सजवाएंगे ना, सामने की जो परछाई अपने आप सज जाती है। ये परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, केवल अपना शरीर को ही सजा लो। इसलिए मूल कौन है, बोले मूल श्री ठाकुर जी है। जब हम ठाकुर को आप जितना घर में अच्छे तरह से श्रृंगार करो, उनको रोज स्नान कराओ, चरणामृत बच्चों को पिलाओ, आप देखना जितने सुंदर ठाकुर का सेवा करोगे, आप अपनी आप सज जाओगे, अपनी आप सज जाओगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय अपना पेट के सहारा से उन्होंने ये दहली तकाई, और आ करके अभी आधा शरीर बाहर और आधा शरीर भीतर, और कृष्णा ऐसे पूरा पूरा लटक गए, और लटकते हुए कृष्णा रो रहे थे। ठीक उसी समय में श्री नारद जी और श्री लोहर सरसी ये दोनों प्रभु को लीला देखने के लिए आए थे। ठाकुर जी कैसे लीला कर रहे हैं, लेकिन देखा ठाकुर तो लटक, ठाकुर तो लटक रहे हैं और रो रहे हैं ठाकुर जी। इतने में श्री नारद जी ये लीला को देख करके बड़ी जोर से ठा लगा करके हा 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 करते करते हंसने लगे। फिर थोड़ी देर बाद में श्री नारद जी रोने लग गए। पुलस्तरी से ने पूछा, बोले प्रभु आप तो पहले हंसे और बाद में रोए, बोले क्यों हंसे और क्यों रोए? बोले इसलिए मैंने हंस रहा था, ये भक्तों का सौभाग्य कितना है, ठाकुर जी अपना भक्तों को आनंद देने के लिए हैं, जिनकी कृपा से जीव अवसागर से पार हो जाते हैं, लेकिन आज ठाकुर जी ये दहेली तो भी पार नहीं हो पा रहे थे। बोले क्यों?
बोले भक्तों को आनंद देना चाहते हैं, इसलिए भक्तों भक्त लोग उसी ठाकुर को लीला के चिंतन करते करते उसमें डूब जाते हैं। इनकी सौभाग्य को देख करके मैं हंस रहा था। बोले फिर आप रो रहे थे क्यों? बोले इसलिए रो रहा ज्ञानियों का दुर्भाग्य को देख देख करके। बोले मतलब बोले जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को कहते वो निराकार है और निर्विशेष है, इनका रूप नहीं गुण नहीं, इसलिए प्रभु की लीलाओं को वो चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए इनकी दुर्भाग्य को देख देख करके मैं रो रहा था। अभी कृष्ण धीरे 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 कृष्ण बड़े हो रहे हैं। एक दिन मैया यशोदा लाला को दूध पिला रहे थे, दूध पिलाते पिलाते कृष्ण जम्भाई दिए, थोड़ी सी मुंह खोले अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को मैया को दर्शन करा दिए। मैया को देख करके डर गए, क्या मैं भलाई भलाई देख रही हूँ? पर आप खोल करके देखती है वो उतना छोटा सा कन्या का पशु, पर ठाकुर जी विश्व रूप क्यों दिखाए? मैया बड़ी डरी हुई थी, पता नहीं ये राक्षस लोग बिना कारण के कारण मेरे लाला को पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई, इसलिए डर रही थी। इसलिए कृष्ण मुंह खोल करके बोले भैया मैं तेरे लाला साधारण नहीं, देख भैया ये जो विश्व ब्रह्मांड है ये सब के सब मेरे अंदर है, इसलिए भैया तुम कोई चिंता मत करो, डरने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन कृष्ण आज क्या कर रहे थे, इतने दूध कृष्ण पी रहे थे, हर माताओं को पता है मेरे लाला कितने दूध पीने पर पेट भर जाता है, लेकिन कृष्ण आज इतने दूध पी रहे थे। मैया डर रही थी लाला का पेट खराब नहीं हो जाए, इसलिए कृष्ण मुंह खोल कर दिखाए। बोले मैया तू सोच रही हो तेरे दूध को मैं अकेला पी रहा हूँ, नहीं मैया देख ले ये जो विश्व ब्रह्मांड है ना, तेरे दूध से ये विश्व ब्रह्मांड पल रहे। कृष्ण जब और धीरे धीरे बड़े हुए, अभी जिसकी मुंह में जो आए ना, जैसे बच्चे को मुंह में जो आता है उसी नाम से बच्चे को पुकारते हैं, लेकिन श्री नंद बाबा सोच रहे थे लाला का कोई एक नाम हो जाए फिर उसी नाम से हम पुकारा करेंगे। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी ये है, नंद बाबा तो सोच रहे हैं ये लाला मेरो है, लेकिन वसुदेव महाराज सोच रहे हैं ये लाला मेरो है। वो दोनों ही सोच रहे थे लाला मेरो मेरो, लेकिन ये लाला दोनों का ही लाला है। गर्गाचार्य ने देखा, श्री वसुदेव महाराज ने देखा अगर नंद बाबा बेटा का नामकरण करेंगे ना, नियम होता है नामकरण करते समय से नहीं जो मुंह में आए और बेटा का उसे नाम धर दो। देखो ठीक से आप लोग सुनो, ध्यान देकर सुनो, कभी कभी हम बच्चे का नाम है ना किसी ब्राह्मण को बिना बुलाए मुंह में जैसे आता है ना वैसे लाला का नाम दर्द कर देते हैं। बोले नहीं कभी ऐसे मत करना, किसी ज्योतिष को बुलाओ उसका जन्म नक्षत्र को देखो एक अक्षर निकलता है, वो अक्षर को पहले रख करके कोई नामकरण करनी चाहिए, ऐसे तैसे नाम मत लो, क्योंकि ऋषि मुनियों ने जो विधान रखा है ना ये प्रॉपर साइंस है, ये साइंस है। जैसे आप देखे होंगे शादी का समय में जन्म पत्री मिलाते हैं, कहते ना ये मंगली है, ये लड़का मंगली है, कि कैसे पता चलता है? उसका जन्म नक्षत्र से ही ये सारी चीजें पता चलती है। जब शादी से पहले क्या करते हैं, जन्म पत्री मिला करके शादी कराते हैं, क्यों कराते शादी? ऐसे दोनों आनंद से सुख पूर्वक अपना जीवन बिताए, इसलिए है ना। देखो मैं गया था अभी दिल्ली में कथा करने के लिए गया था, मैंने जो ये बात बताई ना, एक माता जी मेरे पास आए, बोले बाबा आप सही बता रहे हो। बोले क्या बात है? बोले हमने बच्चों का नाम ऐसे नहीं मुंह में जैसा आया वैसे धर दिया, पर शादी का समय में जब मिला की जन्म हमने क्या की, लड़की को हमने शादी करवा दिया, ससुर घर में गए तो महाभारत उसमें मेरे दो बेटी है, दोनों को ही डाइवोर्स हो गए और दोनों बेटी अभी घर में बैठी हुई थी, इसलिए ऐसे तैसे नाम नहीं रखनी चाहिए, जन्म नक्षत्र को अनुरूप नाम रखनी चाहिए, तभी ये जन्म पत्री मिलेगी, नहीं तो जन्म पत्री नहीं मिलेगी। इसलिए
अभी इधर रख दो, मैं बुला लूंगा आपको, जिनके लिए लगवाना है उनसे पूछ के लगवाना। ये लाला मेरो है, नंदा बाबा क्या सोच रहे हैं, ये लाला मेरो है, वो दोनों ही सोच रहे लाला मेरो है, लाला दोनों की है। श्री वसुदेव महाराज ने देखा अगर नंद बाबा अगर लाला का नाम करण करेंगे, नियम होता है नाम करण करते समय बेटा कौन है जो पिता का पितर अर्पण करता है, संस्कार करता है, और पिताजी की जो वंशज को जो रक्षा करता है, उनका परंपरा को रक्षा करता है बेटा। इसलिए पहले जब नाम करण करते थे वो नाम ऐसे होता था जो एक नाम में उसको पिताजी का भी नाम और पिताजी का नाम दोनों होता था। देखो जैसे राम, भगवान का नाम राम है, देखो कैसे वशिष्ठ जी कैसे नाम रखा, आप बताओ तो राम जी का पिताजी का नाम क्या था, बोलो कौन बोलेगा राम का पिताजी का नाम क्या था, दशरथ। उसमें जो दशरथ, ये जो रखकर उन्होंने दशरथ महाराज से लिया कि पहले राम, फिर मां, फिर उनको पिताजी का नाम क्या था, बोले अज, इसलिए आ अक्षर लिया हुआ से, इसलिए इनका नाम दिया हुआ रा और म। पता जी क्या कर रहे हो, क्या क्या चक्कर, पता जी खड़े मत हो, सामने किसको खड़ा नहीं होना, चुपचाप बैठ के पता तुम, इसलिए ये नाम देखो, कृष्ण का नाम देखो, कृष्ण, कृष्ण के पिताजी का नाम क्या है, नंद। कहते कृष्ण इस नाम में जो ना करे वो आया कहां से, नंद बाबा का ना से है, ये नाम सही है। फिर कहते उनको पिताजी का नाम क्या है, कहते परजन्य, उनको पिताजी का नाम परजन्य बाबा है, इसलिए वहां से लिया क्री, क्री में जो री मात्रा जो र है लिया उनको पिताजी से। इसलिए पहले जो नाम रखते थे ऐसे रखते थे, क्यों बेटा कौन है, यदि ये बुखार भी देने वाले, यही बिल्डर देता है, यही पुल को रक्षा करता है बेटा। इसलिए पहले जब नाम रखते थे ऐसे ही नाम रखते थे, ऐसे नहीं टीनो बुल्डो टिक्की टिक्की कुत्तों का नाम का रख लें, नहीं कभी भी एक में तो ये कुत्तों का नाम नहीं रखे कभी। देखो नाम दो तरह का होता है, ध्यान देकर सुनो, एक होता है मुख्य नाम और एक होता है गौण नाम। कहते मुख्य नाम गौण नाम का मतलब क्या है, बोले मुख्य नाम उसे कहते हैं जैसे बेटा का नाम लेते ही डायरेक्ट भगवान की याद आए, जैसे कृष्ण गोपाल मधुसूदन राम कृष्ण दामोदर, ये नाम लेते ही डायरेक्ट क्या होता है, भगवान को लेते करता है। कहते गौण नाम जिसको कहते हैं, बोले घुमा फिरा करके इधर उधर करके करते करते जाकर लगता है, इसको गौण नाम कहते, बोले गौण नाम नहीं रखनी चाहिए, नाम रखनी चाहिए मुख्य नाम, जो नाम लेते ही जैसे नारायण है। अजामिल ने किसको बुलाया था, नारायण और बेटे को बुलाया था, लेकिन आए तो विष्णुदूत, विष्णुदूत तो आकर रखा की। इसलिए जितना बार देखना बच्चों को अगर भगवान का नाम रख दिया कृष्ण, जितने बार मुंह से नाम निकली किसका नाम निकली, ठाकुर जी का, बच्चे का भी कल्याण, जिस घर में भगवान का नाम लीजिएगा घर का भी कल्याण है, वो बच्चा उतना बार ठाकुर जी के नाम सुनेगा आपकी जीवा में भी उतना बार आपका मुंह में ठाकुर जी की नाम भी आएगा। इसलिए बच्चों का नाम कौन नाम मत रखा करो, मुख्य नाम रखो, जो नाम बोलने पर डायरेक्ट भगवान की याद आए। इसलिए श्री वसुदेव महाराज उन्होंने गर्गाचार्य जी को बुलाया, बोले गर्गाचार्य जी आपका त्रिकाल दृष्टा हो, आप सब जानते हो ये कृष्ण मेरे लाला है, मैंने इसको राधा रानी का आकृति गोकुल में रख करके आया हूँ, इसलिए आप कृपा करके थोड़ी सी जाओ और मेरे लाला का नाम करने करो, और ऐसे एक नाम रखी हो जो मेरे नाम से जुड़ा हुआ हो। गर्गाचार्य इतने प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य है आज भगवान का नाम करने करके जा रहा हूँ, और कृष्ण भी छोटे बच्चे हैं, उसको मैं गोद में लूंगा, उसको नन्हे नन्हे चरण है, छोटी छोटी हाथ है, जैसे दाढ़ी पकड़ेगा नोचेगा, जैसे छोटा बच्चा होता है ना गोद में लेते समय, मेरे कितने सौभाग्य है, कृष्ण कौन है, बोले यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति नतव नखाग्रमरिचि, बोले जिन भगवान को ब्रह्मादि भजन करते 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 जिनकी चरण की
न किसी छटा को भी स्मरण नहीं कर पाते, लेकिन आज वो भगवान का भगवान को मैं स्वयं गोद में धारण करूंगा। बड़े प्रसन्न होकर के श्री नंद बाबा का घर में आए और नंद बाबा देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले महात चलना नाम गृहिणाम चेत निस्रसाय भगवान अन्यथा कल्पते कुचित। फिर आज मेरे घर धन्य हो गया, क्यों आज मेरे घर में संत आए हैं, उनके चरण पड़ा करके हरी चर्चा हरी कीर्तन होगी। नंद बाबा कहते हैं गर्जाचार्य जी, जब तक घर में साधु नहीं आए, जब तक घर में उनके चरण नहीं पड़े, जब तक घर में हरी चर्चा नहीं हो, तब वो घर पवित्र नहीं होता। वो घर पवित्र नहीं तभी घर की पवित्रता जब घर में हरी कीर्तन हो। आज तो मेरा जीवन हमारा भाग्य आज जग गया, उनका चरण धोए चरणा पर चल लिया आसन पर बैठा। और श्री नंद बाबा ना अपने आप बोल पड़े, बोले आप जब कृपा करके आए हो मेरे लाला का थोड़ा नाम करने कर दो, तो इसलिए आए थे। वो राजी हो गए, बोले ठीक है बच्चों को ले आओ नाम करने करवा देता हूँ। अभी पहले श्री जसोदा और रोहिणी दोनों बेटे को लेकर के आ गए कृष्ण बलराम। पहले बड़ा बेटा का नाम होगा, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमय सुहित गुण। बोले देखो तुम्हारी जो बड़ा बेटा है ना, ये रोहिणी का बेटा का नाम होगा बलराम। बोले राम क्यों होगा, बोले देखने में बड़े सुंदर, सबको ये आनंद देगा। बोले बल क्यों होगा, बोले बला थी क्या तो बलम भी तू, बड़ा बलवान होगा। हाँ बड़ा बलवान होगा, इसलिए इनका क्या नाम होगा बल राम। बल किस चीज की बल, बोले जो भगवान भक्ति की प्रेम को जो बल देना है, इसलिए इनका नाम एक हुआ बलराम। बोले इसका दूसरा नाम होगा संकर्षण, ये सबसे पहले ही आए इसलिए देव के गर्भ में, इनको जो हमारा आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापित। और चतुर्वंश और गोप वंश में अगर कभी लड़ाई हो गया ना, ये बच्चा दोनों में लड़ाई करना नहीं देगा, दोनों को प्रेम पूर्वक रखेगा, इसलिए इनका एक नाम होगा संकर्षण। बोले श्री दाऊ भैया की, बोले श्री बलदेव प्रभु की, बोले श्री Yeah.
शंकराचार्य ने देखा इनकी अनंत नाम है, कौन सा नाम रखूं, और चिंता में पड़ गए। इसलिए इनके आंख ही नहीं खुल रही थी। श्री नंद बाबा तो व्याकुल हो रहे थे, लाला का नाम क्या होगा। उन्होंने गंगाचार्य को पकड़ करके हिलाए, बोले बाबा बताओ ना लाला का नाम क्या है। बोले आसन वर्णास्त्रय जस्य ग्रीनो तपनुगम तनु शुक्ल रक्त स्थलापित इदानी कृष्ण कल्पत। बोले बाबा तुम्हारा ये जो लाला है ना, ये हर युग युग में ही आता है। ये सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, और द्वितीय युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, और ये कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके श्री नवद्वीप नदिया में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आएगा। लेकिन अभी तुम्हारा ये लाला कृष्ण रूप में आएगी, इसलिए इनका नाम होगा श्री कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले उनके जितने नाम है ना, सबसे जो मधुर नाम ये कृष्ण नाम है। कृष्ण मतलब होता है काला, लेकिन कोलतार जैसे नहीं, ऐसे काला नहीं। इसलिए इनके उदाहरण दिया है इंद्र नीलमणि एक है, उसका रंग जैसे बाल का रंग है, बरसात में जैसे प्रभु का रंग है। कृष्ण मतलब क्या, जैसे बरसात में यदि मेघ क्या मतलब पानी, ये पानी जब इकट्ठा हो जाता है ना, वो रंग कृष्ण रंग धारण करता है। पानी का मतलब होता है कृपा, मतलब कृष्ण मतलब जो स्वयं है कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, जो कृपा के सिंधु और जो दीन का जो बंधु ये कृष्ण है। बहुत सारे रंग मिलाओ, देखना थोड़ी सी काला रंग मिलाओगे ना, वो सारे रंग को रंग अपना लेता है, सारे रंगों को भी अपना लेता है। इसलिए कृष्ण मतलब है, अगर इनकी भक्ति में एक बार जो डूब गया ना, इसलिए चढ़ना दूजर है, उसको पर फिर कोई रंग नहीं चढ़ेगा, फिर को काला ही काला दिखता है। इसलिए कृष्ण काले हैं। बोले हे नंद बाबा, तुम्हारा जो बेटा है ना, ये जुग जुग में ही आता है, सत्य जुग में कभी अकाल पड़ा था। तुम्हारा बेटा ने पृथ्वी महाराज रूप में आए और उन्हें संसार का दुख उपहार में किया है। हर जन्म में कितने रूप कितने गुण, जो वेद में जिसका अंत नहीं पाता। जब श्री गर्गाचार्य बोल रहे थे, वहां पर मैया यशोदा बैठी हुई थी, वो सोच रही थी ये ज्योतिष जीवन काम बात ही नहीं बोलते, बिना काम की बात। ये सत्य युग में था, त्रेता युग में था, क्या मतलब है, हर माताओं का क्या मतलब है। हर माता सोचती है लाला जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और घर में बहू आ जाए। बोले क्यों, बोले जब तक घर में बहू नहीं आती है ना, माताओं को सारे घर का काम काज करना पड़ता है। लेकिन अब घर में बहू आ जाए क्या होता है, अरे बहू सारे काम तो वही संभाल लेती है, फिर माताओं को विश्राम मिलती है। इसलिए मैया सोच रही थी एक तो बुढ़ी अवस्था में लाला है, और अब तो बुढ़ी हो गई, अब कब तक घर का काम संभालू। लाला तो जल्दी जल्दी बड़े हो और जल्दी जल्दी घर में बहू आए और सारे को काम को संभाल ले और हमें विश्राम मिल। ये मैया ये सोच रही थी। इतने में उन्होंने एक श्लोक बोले, बोले बहुनी संति नामानी। मैया यशोदा तो बड़ी भोली वाली है, भोली वाली। देखो एक श्लोक का दो अर्थ हो रहा है। बोले बहुनी संति नामानी, वो बता रहे थे तेरे जो बेटा है ना, इसकी बहुत नाम बहुत रूप बहुत गुण होगा। लेकिन मैया अपना मन मन में एक अर्थ लगा रही थी। बोले बहुनी संति नामानी, मतलब मेरे लाला की बहुत सारी बहुएं होंगी। बोले वाह अच्छी बात है। आप सुने होंगे राजा लोग पहले बहुत शादी करते थे, घर में जितने बहू आएगी उतना तो अच्छी बात है, सास की तो उतना सेवा होगी। सचमुच से कृष्ण जब वृंदावन में राधा थी, फिर ललिता विशाखा चंपक लता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंगते सुदेवी रूपंजरी रतिमंजरी, भगवान जब रास करते सत करोड़ गोपियों के साथ, फिर कृष्ण जब द्वारका जाते हैं वहां पर भी 16,160 बट रही है। भैया तो बड़ी खुश हो गई। बोले ज्योतिष से भी काम की बात कर रहे हैं। बोले नामानी, अलग अलग नाम अलग अलग रूप, कोई गोरी होगी कोई श्यावर्ण वर्ण की, कोई काली हो। बोले भोज मतलब है काली हो नहीं तो गोरी हो। सचमुच से जो कालिंद थी, हाँ जो यमुना कालिंद थी, वो
श्याम बनने की थी। मैया ने बड़ी बहुत बड़ी ज्योतिष अभी काम की बात बताई, खूब दक्षिणा चकाचक उनको दक्षिणा दी और लाला को गर्गाचार्य का चरण में लेटा दी। बोले बाबा लाला को थोड़ा आशीर्वाद दे दो। हाँ लाला को थोड़ा आशीर्वाद दे दो। बोले भैया कहाँ भी नहीं, ये प्रेमियों को बीच में आ गया, उनको पता कृष्ण भगवान है, लेकिन उन्होंने ऊपर ऊपर से उन्हें आशीर्वाद दिए और अपना जीवन को धन्यवाद दी और प्रसन्न होकर के चले गए। जब चले गए जो बड़ी बूढ़ी थी, बोले ज्योतिष ने लाला का नाम क्या रखे है? बोले बड़ा बेटा का नाम बलराम और छोटा बेटा का नाम कृष्ण। बोले नाम तो बड़ा मीठो नाम है, लेकिन जो कृष्ण नाम ना, जब तक ये जीवा तीन बार पलट नहीं जाए तब तक ये कृष्ण नाम ही मुंह से नहीं निकलती है। बोले ठीक है, ये जो कृष्ण बलराम जो नाम, ये ज्योतिष का नाम तो जन्म परिचय है, लेकिन हम अपना घर का नाम। जय जय श्री वृंदावन किमपि गोलमल तो सिधना। ये उद्धव जी कह रहे हैं, कहते क्या मेरा इसे सौभाग्य होगा। बोले क्या सौभाग्य, उन्होंने ब्रज में तीन जन्म की प्रार्थना की। बोले घास बनने के लिए प्रार्थना की। बोले घास क्यों बने बनना चाहते हैं? बोले गोपियां जब श्रृंगार करके कृष्ण से मिलने के लिए जाएगी, चल कर तो जाएगी ना, अगर हम घास बन करके रहेंगे तो प्रभु का चरण का धूल, गोपियों के चरण की धूल मिलेगा। बोले लता बनने के लिए चाहते हैं। बोले लक्ष्मण, बोले भगवान प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ठाकुर जी कुंजो कुंजो भी सुंदर लीला चाहेंगे, अगर वहां पर लता बन करके रहेंगे तो ठाकुर का लीला दर्शन हो जाए। बोले तीसरा चीज, बोले औषधि, वहां के औषधि बनना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले अगर कभी ये बीमारी में पड़े, अगर दवा लेंगे तो इनके हृदय में चला जाओ, इसलिए उन्होंने गुलम लता औषधि वृक्ष रूप में उन्होंने जन्म को वो प्रार्थना करते हैं। इसलिए ब्रह्मा भी आए, उन्होंने जब ब्रजवासियों की महिमा को देखा, देखो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, तद भूरि भाग्यम यह जन्म अटव्यम जन गोकुल कथमान जो विषय का। जब ब्रह्मा जी कृष्ण की वैभव को देखा, पहले तो सोच रहे थे कोई ग्वाल बाल है, जब उनकी विभूति को दर्शन की, बोले ब्रह्मा जी बताओ क्या चाहते हो, ब्रज में कोई सखा सखी बना दू? बोले कहा मैंने इतना पुण्य, बोले नहीं तो यहाँ पर कोई लता पता पेड़ पौधा बन जाए। बोले नहीं नहीं, मैंने इतने सौभाग्य नहीं किया ब्रज का कोई लता पता बन जाए। बोले फिर, बोले ब्रज का बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते हैं, अगर उनका घर को आप सामने पत्थर रूप में जन्म हो जाए, अगर वो मुझे पत्थर मार करके हमारा सर के ऊपर चरण धगड़े ना, अगर उनकी अगर हमें चरण धुले मिल जाएगा तो जीवन मेरी धन्य हो जाएगी, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, ब्रज में जो आए सबके सब चाहते हैं। श्री रसखान कहते हैं, कहते रमण रेती ले जो नहीं कियो ना जमुना काम। ब्रज में जाकर के ना दो काम करना, पहला काम है रमण रेत में जाकर लौट को भरना, और दूसरे चीज बोले यमुना में आचमन लेनी चाहिए। ये जब तक ये दो चीज नहीं लेते ना, बोले तुम भैया ब्रज की महानता कैसे समझोगे? इसलिए दो चीज जरूर हमें करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण एक दिन ऐसे सोचते हुए सखाओं के साथ में खेलते खेलते कृष्ण मिट्टी खा ली। सखाओं ने मना की, कन्या मिट्टी मत खा, पेट खराब हो जाएगी, लेकिन सुन नहीं रहे, वो मिट्टी 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 खाते ही जा रहे। इतने में श्री बलदेव प्रभु जा करके भैया से शिकायत कर दी। बोले भैया कन्या आज मिट्टी खा रहे थे। बोले क्या, पहले तो मक्खन चोरी चोरी करके खाता था, अभी मिट्टी खाना शुरू कर दिया है, अभी मिट्टी खा रहे, अभी उसको मजा चखाता हूँ। मैया तो सीधा आया और कृष्ण का कान को पकड़ी। बोले अपवित्र, जो परम ब्रह्म है,
सारा दुनिया को कान को जो पकड़ा के ढूंढाते हैं बैठाते हैं, आज भैया दस्ता उनको कान को पकड़ करके बोले अपवित्र झूठे, बताओ तुमने आज मिट्टी खाई? कृष्ण तो सफेद झूठ बोल बोले ना अहम वत्सितवानो सर्वे मिथ्या विसंसिन, बोले भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले ये सब सखा बोल रहे तुमने मिट्टी खाई? बोले मैया आज कहा भैया तेरे को पत्तो है? बोले कहा भयो? बोले ये सखा लोग अपना अपना घर से लड्डू मिठाई कचौड़ी ये सब चोरी चोरी करके लाते हैं और कहते हैं तू खा, मैया तेरे को पत्तो है, मैं कभी चोरी का चीज खाता है नहीं। मैया बोले अच्छे तरह से मेरे को बता तू क्या करना नहीं करना। बोले मेरे को जोर जबरदस्ती की मैंने खाया नहीं। सखा लोग तो समझ गए ये तो खाया नहीं मिठाई, ये जरूर घर में जाकर के हमारे नाम पर चुगली करेगा, और मैं चुगली करने से पहले मेरे चुगली से निकल, और तुम बड़ी इनकी बात में आ जाती हो। बोले दाऊ कभी झूठ नहीं बोलते। बोले दाऊ तुम बताओ तो कृष्ण मिट्टी खाए कि नहीं? बलदेव प्रभु गवाह दे दिए। बोले भैया अपना आंखों से देखा मिट्टी खाते हुए अभी कृष्ण कहाँ जाएंगे? कृष्ण बोले भैया ये जो दाऊ है ना ये ऊपर में देखने में तो बड़े गोरो लगते हैं भैया, ये अंदर से बड़े काले हैं, मैं ऊपर से लगता हूँ काला भैया अंदर में बड़े गोरो। देखो कृष्ण क्या कहते हैं इसका मतलब क्या है? बोले बलदेव प्रभु ऊपर से गोरे हैं लेकिन अंदर से काले, मतलब वो अंदर में कृष्ण का चिंतन करते हैं। आप ब्रज में कभी कभी जाओ आप देखना बलदेव प्रभु तो गोरे, लेकिन कहीं भी ब्रज में बलदेव प्रभु को कभी गोरे नहीं देखोगे, वो काले ही काले देखोगे। क्यों? वो कृष्ण चिंतन करते करते वो काले बन गए। बोले मैं ऊपर में तो काला लेकिन अंदर में गोरा हूँ। बोले क्यों? बोले राधा रानी गोरी है, मैं अंदर में से राधा रानी के चिंतन करता हूँ, अंदर से मैं गोरा हूँ। मैया ने छोड़ने वाले नहीं, कृष्ण ने कहा अगर मैं बोलू अगर मिट्टी खाए तो मुंह से खाए तो मुंह खोल कर देख ले। कृष्ण बोले मैया तो मुंह खोल कर देख ले। कृष्ण सोच रहे थे मैया मान जाएगी, इतने में मैया तो एक धमकी लगाई बोले मुंह खोल में देखना चाहता हूँ। इतना बोलते ही तो डर से कृष्ण अपना मुंह को खोल दिए। जब उन्होंने मुंह को खोले अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड प्रभु दिखा दिया, कितने नदी कितने ब्रह्मा कितने सीर कितने पर्वत नक्षत्र, मैया जशोदा खुद को खुद पेट का डर में अपने आप को देख रहा था। मैया तो डर गई, हे भगवान मेरे लाला को ऊपर कोई भूत का सवार हो गया ना क्या, क्या मैं अलाई बलाई देख रही हूँ? अभी मैया सोचने लग गई हो ना हो मेरे लाला तो भगवान तो नहीं, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड किसको मुंह में है? ठाकुर जी की भगवान की गर्भ में विश्व ब्रह्मांड है। मैया सोचा हो ना हो ये लाला मेरा भगवान तो नहीं। इतने में मैया तो डर गई, डरते ही तो कृष्ण डर गए। बोले क्यों कृष्ण डर गए? अगर मैया को पता चले मैं भगवान हूँ, जैसे घर में नारायण सालक राम घर में, और नंदबाबा क्या करते हैं श्री नालक राम सालक राम के लिए छोटी सी मंदिर बनाए और ठाकुर जी थोड़ी भोग लगाते हैं और घंटा हिलाते हिलाते बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु ससखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्पम मम देव देव। ऐसे ही भैया थोड़ी सी भोग लगा करके ना दरवाजा फिर बंद कर देती है। अभी सोच रहे हैं अगर भैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ मेरे लिए भी छोटा सा मंदिर बनवाई और उसको अंदर मेरे को रख लेगी और थोड़ी सी भोग लगा करके मेरे लिए भी दरवाजे को बंद कर देगी, फिर मैं जो इतने सुंदर सुंदर मधुर मधुर मैं लीला करता हूँ फिर मेरी लीला बंद ही हो जाएगी, मेरी लीला बंद हो जाएगी। इतने में कृष्ण जब डर गए ना, इतने में जो जोग माया थी इतने में वो जोग माया भी डर गई, प्रभु तो डर गए। इतने में जोग माया ने सारे लीला को अंतर ध्यान कर दी, सारे कृष्ण लीला को अंतर ध्यान कर दी। देखा वही छोटा सा मुंह और अंदर में कुछ नहीं। हाँ देखो यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। मतलब पहला सीखा क्या है, आप लोग ये बताइए कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं? कृष्ण खाए थे कि नहीं? खाए थे। पर कृष्ण ये झूठ क्यों बोले?
हम बोलेंगे क्या भगवान झूठ बोलेंगे तो कोई दोष नहीं, और जब हम कोई झूठ बोले दोष है, दुनिया यही कहेगा ना भगवान अगर झूठ बोलते हैं क्या हम झूठ बोलने में दोष नहीं, भगवान बोल सकते। श्री वल्लभाचार्य कहते हैं बोले भगवान कभी झूठ बोलते हैं, क्योंकि भागवत का प्रथम श्लोक में बताए बोले सत्य परम धीम ही कृष्ण को नहीं वो परम सत्य है। जब मातृ गर्भ में भगवान आए तब फिर से करोड़ देवता एक साथ में कहते हैं बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य से जोड़ी सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक शरणम प्रपद के 33 करोड़ देवता कह रहे हैं। मतलब पहले जो सनातन अभी भी सत्य बाद में सत्य धाम सत्य जिनकी भक्त ही सत्य त्रिकाल सत्य भगवान, तभी हमने झूठ गए जो बोलते बेटी नहीं कही बेटी मार बना करती। हाँ देखो यहाँ पर वल्लभाचार्य दो उदाहरण देकर समझाए भगवान झूठ नहीं बोले। पहला उदाहरण दिए कृष्ण ने कहा मैया मैंने मिट्टी खाई का उन्होंने विराट रूप दिखाया है ना, बोले मिट्टी खाना किसे कहते हैं जब हमसे कोई चीज अलग हो उसको खाना कहते हैं। बोले मैया ये विश्व ब्रह्मांड देख ली तो दुनिया तो मेरे अंदर नहीं है, फिर मैंने खाया कब दुनिया तो मेरे में फिर खाया कब, ये एक कारण बताए क्योंकि गर्भ में सब कुछ है। दूसरा कारण बताए ये संस्कृत शब्द है ना अहम, जब ये शब्द को आप अलग करते हैं होता है ना अहम मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई, ये एक अर्थ होता है। लेकिन जब ये शब्द को हम अलग नहीं करके एक कर देते हैं वो शब्द होता है नाहम, बोले नाहम मतलब क्या बोले ब्रह्मांड, इसका एक अर्थ है ब्रह्मांड। बोले मैया तो मिट्टी की क्या बात करते हो, देखो ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, तेरे को विश्वास नहीं हो रही ना, विश्वास नहीं हो रहे तो तू देख ले मेरे मुंह बल करके, इसलिए भगवान विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया, इसलिए भगवान कोई झूठ नहीं बोलते। तीसरा कारण बताए बोले माँ तू सोच रही हो मिट्टी मैंने खाई, नहीं मैया ये विश्व ब्रह्मांड ये ब्रज रज के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद सारा दुनिया ये ब्रज रज के लिए ये सारा दुनिया तरसते हैं, देख ले भैया तेरे को विश्वास नहीं हो रही ना, देख मेरे मुंह खोल कर देख ले ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, भगवान ने सारा दुनिया को ठाकुर के दिखा दिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम जय जय श्री राम जय 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 श्री राम। बोल बोल राम बिहारी लाल की जय, जय ये दुनिया क्या दिन से लेकिन कन्हैया से प्रीत कौन कौन लगाया है, किस किसने प्रीत लगाया है कन्हैया से,
कोई कोई हाथ नहीं उठा रहे, हमारा तबीयत ठीक नहीं, ऐसे ही सोच रहे हैं। बस सभी लोग हाथ नहीं उठाए तो सब लोग नींद नहीं लगाया क्या कन्हैया जी? देखो कहते हैं कि संबंध अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध मीन्स कि कन्हैया से कोई एक संबंध बनाना, भाई मानो, मित्र मानो, पिता मानो, बंधु मानो, एक संबंध मानो। संबंध और अभिधेय, अभिधेय में साधना, साधना और प्रयोजन में प्रेम। पंचम पुरुषार्थ जो है प्रेम है, भगवत प्रेम। इसलिए कन्हैया से प्रेम, कन्हैया के चरणों में प्रेम बहुत प्रयोजन। इसलिए सभी लोग प्रेम हो जाए कन्हैया के चरणों में, ऐसे प्रयास करें। प्रेम तभी होगा जब कुछ कन्हैया के लिए करेंगे। तो कन्हैया के लिए ताली बजाना, नृत्य करना, ये सब करते करते ही प्रेम होता है। तो आइए, ओ मेरी लगी, ओ मेरी लगी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी ये दुनिया Thank you.
हाथ उठाकर क्या बोलना है आपको? राधे राधे। क्या बोलना है? लेकिन जोर से बोले हमको सुनाई नहीं। हाँ राधे राधे बोलना है, प्यार से बोले नहीं तो प्यार से बोलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हमारे श्री मदन मोहन प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएं। देखो आप लोग जो इतने भक्त लोग आए कथा सुनने के लिए, आप लोग जो जुड़े हैं ना इसकी वजह से ये पहले हमारी भक्ति में यही जुड़ा है कि संतों से यही मिला है, मिल करके फिर धीरे धीरे अपना परिवार को, अगली बार भी कथा हुई थी, धीरे धीरे अपना परिवार को जुड़े, फिर उनका कानपुर में भी लिया, जितने मौसी है, मौसा है और जितने परिवार है, उन्होंने चाचा चाची इनने सबको धीरे 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 भक्ति में ला कर गुरु ने सबको उन्होंने जोड़ लिया है। देखो भागवत में ये नरसिंह भगवान के गुण है, ये नरसिंह भगवान कह रहे हैं बोले कुलम पवित्रम जननी पितार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरे सा जैसा मुकुल वही स्नावना मधे। ये नरसिंह भगवान भागवत का सप्तम स्कंध भी कह रहे हैं, पर ये श्लोक को उन्होंने कब बोले? प्रति समय भगवान नरसिंह के अवतार में जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को वध किए, अभी भगवान प्रसन्न हो गए प्रह्लाद के ऊपर में, बोले प्रह्लाद मेरे से कुछ वर मांगो, मेरे से कुछ वर मांगो। देखो बेटा अगर भक्त हो ना उसका दिल कितना बड़ा है, आप भागवत सुने होंगे प्रह्लाद भजन करता था इसलिए उसको पिता मारने के लिए जान से घुस पहाड़ का ऊपर से लेकर गिरा दिया, मराई दी, उसको काल कोठरी में बंद कर दिया, मराई दी,
उसको होली का उसकी बहन थी, उसको ब्रह्मा का वरदान था, इसको अग्नि स्पर्श नहीं करे। उनने आग जला करके होली का प्रहलाद को गोद में बैठा करके आग लगाया, उसको जहर पिलाया, क्या नहीं किया उसको पिता प्रहलाद को मारने के लिए। देखो जो पिता जिंदगी भर बच्चे को मारने के लिए कोशिश की, अगर ठाकुर जी जब वर मांग रहे हैं, देखो क्या वर मांगता है। बोले प्रभु जी अगर मुझे देना चाहते हो, मेरे पिता बड़े दुष्ट थे, आपको द्वेष किया है, मेरे को द्वेष किया, भक्तों को द्वेष किया, संतों को द्वेष किया, मेरे पिताजी को नरक में मत भेजा करो, मेरे पिताजी को आप मुक्ति दे दो, मेरे पिताजी को मुक्ति दे दो। देखो ध्यान देकर सुना, अगर बेटा अगर भजन करता तो उसका दिल कितना बड़ा देखो। जो पिता जिंदगी भर मारने के लिए कोशिश की, वो अंतिम समय में कहते प्रभु जी मेरे पिता को उधार कर। लेकिन इसी जगत में देखो, मानो पिताजी का दो तीन लड़का है, अगर पिताजी किसी व्यक्ति लड़के को थोड़ी सी कम संपत्ति मिल गया, किसको थोड़ी ज्यादा मिल गया, जिसको कम मिलेगा ना, जिंदगी भर वो टोकरा टोकरी को गाली देता है, जिंदगी भर उसको गाली देता रहेगा। देखो मेरे जो पिता है ना, मेरे पिताजी का जीवन में इसी हुआ, हमारे गांव में मेरे पिताजी का सबसे ज्यादा संपत्ति थी, सबसे ज्यादा संपत्ति थी। क्या हुआ, जो बेटा उनको सेवा की उनको थोड़ी सी ज्यादा मिल गई। जब मेरे पिताजी शरीर छोड़ा, कोई भी बेटे उनको लाश उठा के नहीं, बोले बुढ़ा उसको ज्यादा पैसा दिया, थोड़ी सी ज्यादा कोई नहीं, थोड़ी सी कुछ चीज दी, लेकिन उसको उठाने के लिए नहीं आए। और इतने बुरी तरह से हमारे पिताजी क्रिया किए, मैं तो साधु बन गया था, इतने जो सोच नहीं सकते गाँव में बदनाम है। लेकिन बेटा अगर प्रभु का भजन करते हैं ना, भक्ति करते हैं, उसका उदार हृदय, बहुत बड़ा उदार उसका हृदय होता। इसलिए लास्ट पिताजी ठाकुर जी मेरे पिता को मुक्ति करा दो। तब नरसिंह भगवान स्वयं कहते हैं, बोले तुम पिताजी का बात क्यों कहते हो। भगवान बोले त्रि सप्तमी पिता पूत, बोले तीन सात माने 21 पीढ़ी तेरी उधार हो, 21 पीढ़ी तेरी उधार हो गई। और क्या हुई, बोले दिल्ली स्वर्गीय पितरी पितरे साथ। देखो कभी कभी आज मेरे पास कोई भक्त आया था, बोल रहे थे सब बोलते हैं हमारे कोई पितृ दोष है, हमारे घर में शांति सुख नहीं है, हमारे घर में शांति सुख नहीं, सब कुछ है लेकिन घर में शांति सुख नहीं, क्योंकि वो कहते तुम्हारे घर में पितरों का जो दोष है, पितृदोष है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, भजन करते हैं, ये भगवान कहते हैं नित्यंति स्वर्गे पितरी पितरे साम, कहते हमारे जो पूर्वज लोग है ना वो प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों, बोले हमारा अहोभाग्य है, हमारा वंश में एक बेटा भजन कर रहा है, अभी मुक्ति की कोई चिंता नहीं, अभी इसी जीवन में हमारी मुक्ति हो जाएगी, नित्यंति स्वर्गे। बोले चौथा लाभ क्या, चौथा लाभ बोले वसुंधरा वसतिश्चन्या, बोले जिस पृथ्वी को ऊपर में वो बच्चा जन्म लेता है, वो पृथ्वी भी अपना को धन्य मानती है, अहो भाग्य है मेरे कोख में एक बेटा भजन कर रहा है, मेरे कोख में ही एक बेटा। जैसे आपका कोई बेटा अगर कोई बन गया प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति, माँ को कितने खुश होती, कितना खुश होती है। कहते हैं सबसे जो बड़ा पद है वैष्णव पद है, सबसे बड़ा पद भगवान की भक्ति पद। पहले मैंने बताया था ना, हम लोग क्या सोचते हैं, हम तो बच्चों का बड़ी रूप में हीरो हीरोइन बनाएंगे, हमारी ये स्वप्न है बच्चों को हम हीरो हीरोइन ही बनाएंगे। आप बताओ 20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी दुनिया में उसका कोई नाम ले रहा है, वो हीरो हीरोइन का कोई नाम ले रहे हैं, कोई नहीं ले रहे। अक्सर करके इतने बड़े हीरोइन हीरोइन देखोगे ना, इतने डिप्रेशन में आए, इतना डरता है ना, जितने सबके सब डिप्रेशन, लाख में सुसाइड करते हैं, इतने डिप्रेशन में। अगर हीरोइन का चरित्र आप पढ़ोगे तो इतने डिप्रेशन में आए। लेकिन देखो प्रहलाद कब आए, सत्यजी में करोड़ों साल पहले, हनुमान जी कब आए, तृतीयाजी में, नरसिंह भगवान कब आए, श्री वाल्मीकि कब आए, व्यास देव कब आए, तुलसीदास कब आए, हजार साल करोड़ों साल पहले आए। देखो घर घर में हम उनकी पूजा करते हैं। मीरा कब आए, यहाँ पर सिखा देते हैं, अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो ना, हीरो हीरोइन बन करके बड़ा मत बन, बनना तो भक्त बन करके बड़ा बनो। देखना जगत जब तक रहेगा तुम्हारी नाम तब तक ही दुनिया में रहेगी,
मरने का बाद कभी जो भागवत ग्रंथ है ना नित्य है, अगर इस संपूर्ण दुनिया प्रलय हो जाएगी फिर कब सृष्टि होगी, फिर ये भागवत कहना है क्योंकि धाम से उतरती है, ये नित्य है, फिर दूसरे युग में भी आपके नाम फिर आएगा। हाँ, अगर बड़ा बनना चाहते हो भक्त बन करके बड़ा बनना, हीरो हीरोइन बन करके नहीं है, भक्त बन करके बड़ा बना। कभी कभी देखो एक बेटा भक्ति में आया तो इतने लोगों का आज कथा जो सुन रहे हैं ना खुद समझो इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से हम लोग बैठे यहाँ कथा सुन रहे हो। एक बच्चा सुना गुरुदेव जी यहाँ पर भी आए और यहाँ पर भी कथा हो और यहाँ के लोग भी प्रभु की भजन में मस्त हो जाए, इसलिए ये अभी थोड़ी सी आपको कथा सुनाएगा। आप थोड़ी सी कथा सुना ओम अज्ञात विरहस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेन च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवाकरवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 सबसे पहले आप सबसे क्षमा प्रार्थी, कारण पूछिए क्या बताता हूँ। जैसे कोई बहुत मंद मंद बहुत बढ़िया मीठी मीठी नींद आती है जब पर वैसी नींद आप सब सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो आप सब नींद में ही हैं, बहुत मीठी मीठी मूड में, बहुत अच्छा अरोमा आपका बना हुआ है, उसके बीच में कोई आपके कान एकदम से आए बोले तो कैसा लगेगा? आप इरिटेट हो जाओगे, आपको बहुत बुरा लगेगा, या फिर कोई कुत्ता भौंकने लगेगा तो भी बुरा लगेगा। तभी मेरा जो पूरी वाणी है गुरु जी की वाणी की, उसमें कुत्ते जैसा काम में करता हूँ। एक तो मेरा वोकल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो गया वन, दूसरा मेरे हृदय में भी इन्फेक्शन है टू, तो मैं अलाउड नहीं हूँ यहाँ खड़े होकर गुरु जी के साथ बोलने के लिए, लेकिन उनका क्योंकि डिजायर इच्छा है इसलिए मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद को दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप देखो मत मुझे। उसके बाद यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों को प्रकट अप्रकट जितने भी वैष्णव हैं उन सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरु जी की जो वाणी है ना ये असाधारण है, ये मुझे यहाँ खड़े होकर बोलना नहीं चाहिए इतने सारे क्राउड में, क्योंकि सब समझने वाले नहीं है ये बात, फिर भी कुछ तो समझने वाले हैं और सब तो मुझे पर्सनली मिलेंगे नहीं, तो मुझे बोलना जरूरी है क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा इम्पोर्टेंट है देखना बजाय लॉस की, क्योंकि जो ऑलरेडी लॉस में है ना उनका उनका उनकी वंचना हो चुकी है, मतलब उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो गुरु जी की वाणी कैसी असाधारण है, इसे साधारण नहीं समझना चाहिए, कैसी असाधारण है, जैसे कृष्ण वेणुनाद करें, मतलब जब वंशी बजाएंगे तो अगर वो वंशी की जो ध्वनि है वो एक मूर्ति बन जाए, मूर्ति मतलब एक फिगर बन जाए, तो वो जैसे गुरु जी है ना ऐसे ही है वो मूर्ति गुरु जी का स्वरूप है। और जब गुरु जी वो नाद जो कथा बोल रहे हैं वो मंद मंद मधुर मधुर मुरली बज रही है, बीच में मुझे भोंकने को भी दिया गया लेकिन गुरु जी ने बोला इसलिए अलाउ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तीन प्रश्न है जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हम उस पर मतलब आई वॉन्ट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, मतलब चर्चा करें थोड़ी। अब आप तो बोल नहीं सकते, बदले में माइक मेरे पास है तो मैं बोलूंगा, आप मन मन में बोलना, मतलब मन मन में यू कैन क्वेश्चन और आंसर एज वेल।
तो पहला प्रश्न है जो सबके पास होगा, किसी को याद नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं एक फिल्मी गाना है उसमें फिल्मी गाने में वो जो गायक है वो भी गागा के क्वेश्चन कर रहा है, वो गा रहा है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काय को दुनिया बनाई, बोले दुनिया क्यों बनाई, यहाँ पे बताओ कौन कौन है जो क्वेश्चन करता है, रेजोनेंस बस इतनी को लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन, मतलब सबके मन में जिज्ञासा है भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, क्यों बनाई भाई। दूसरा प्रश्न, अगर दुनिया बनाई देखो गुरु जी ने हमें पहले दिन से बता रहे हैं कि हम तुलसीदास जी भी रामायण में कह रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं, और चैतन्य चरितामृत में भी प्यार में कहा गया है कि कृष्ण जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के जब अंश हैं भगवान हमारे पिता हैं तो मुझसे दूर क्यों हो गए, पहले तो दुनिया क्यों बनाई पहला सवाल, दूसरा सवाल अगर भगवान के अंश थे तो हम यहाँ क्यों हैं, अपने घर में क्यों नहीं है, हमने ऐसा क्या किया है भगवान ने हमें बाहर क्यों कर दिया, मतलब क्या क्या डिस्टर्बेंस हुई जिससे हम भगवान से दूर हो गए, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा प्रश्न है कि अगर हम चलो दूर हो भी गए तो वापस कैसे अपने घर जाएंगे, बस ये तीन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्या है कि दुनिया क्यों बनाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हम भगवान के अगर अंश हैं तो उनसे दूर, और तीसरा क्या है दूर हो गए तो वापस कैसे जाएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल और दूसरे सवाल का ना उत्तर लगभग साथ साथ है, आप ध्यान से सुनो, देखो सोते सोते मत सुनना, थोड़े एक्स्ट्रा अलर्ट होकर कॉन्शियसली सुनोगे तो कुछ मिलेगा, अदरवाइज जीरो बटा सन्नाटा ढाई के क्या ढाक के तीन राइट ढाक के तीन पार, तो बहुत कॉन्शियसली सुनिए इस बात को, पहला क्वेश्चन और दूसरे का आंसर लगभग साथ साथ है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई और अगर हम भगवान के अंश हैं तो उनसे दूर क्यों हो गए। एक छोटा एग्जांपल से एक स्टोरी बताता हूँ, एक बार क्या हुआ गुरु जी ने भी वो उदाहरण बोला लेकिन आप मैं बोलूंगा तो आप कंटेक्ट उसको रिलेट कर पाओगे गुरु जी से जो उन्होंने बताया समझाया। मान लीजिए आपने एक नौकर को घर में रखा, एक सर्वेंट को रखा जो आपको खाना बनाता है, ठीक है, वो खाना बनाता है, आपने उसको सवेरे बोला देखो जब मैं स्कूल ऑफिस से लौटूंगा तो आप मेरे लिए क्या क्या बना के रखोगे, हलवा पूड़ी रसमलाई ये सब बना के रख लोगे। जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने क्या देखा कि जो उसका नौकर था वो काउच पे मतलब सोफे के ऊपर बैठा हुआ है और बड़ी से एलईडी स्क्रीन को मजे से देख रहा है, एसी ऑन है, पूरे घर की भी लाइट्स ऑन है और सारी मतलब उसको कोई कंसर्न नहीं है, दरवाजे तक खुला इसलिए वो एंटर कर गया बॉस, और जो हलवा पूरी रसमलाई बनाई गई थी ऑर्डर था सर्वेंट के लिए, मालिक को बनाने का वो कौन खा रहा था, सर्वेंट चकाचक खाई जा रहा था गुरु जी जिस टाइप चकाचक वो खा रहा था। अब क्या करेगा इन्होंने इस संसार में, आप लोग क्या करोगे, उसको बहुत पीटोगे ज्यादा, अगर और भी गुस्सा आ गया तो शायद केस वेस भी कर सकते, अच्छी खासी उसकी धुलाई हो जाएगी आधा हो जाएगा वो, है ना। तो भगवान बहुत दयालु है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें पनिशमेंट नहीं दिया। इस स्टोरी को मैं रिलेट कर रहा हूँ भगवान के साथ, हमारा कर्तव्य था, जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, अभी भी बोला मैंने जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, दास हम सब कौन है भगवान के, नित्य दास दास है, लेकिन हमने क्या किया वहां पे कुछ गड़बड़ी की, और गड़बड़ी क्या की कि भगवान की जितनी भोग्य वस्तु थी ना जो भगवान को एंजॉय करनी थी वो सब हम एंजॉय करने लगे, तो भगवान ने क्या किया, भगवान दयालु से मारा पिटा नहीं, देखो समझो इस बात को, ऐसा मत सोचना मारपीट की, क्योंकि उसका नाम है भगवान, वो हम इंसान नहीं है क्यों मारेगा पीटेगा, वो भगवान, उसने क्या किया उसने माया जो उसकी बहुत प्रिय है, माया ना गंदी नहीं है एक्चुअली, वो बहुत अच्छी है हमारे लिए, बहुत अच्छा कर रही है लेकिन हम समझ नहीं रहे, माया इज अ फ्रेंड दोस्त, भगवान ने क्या किया माया को बोला देखो माया देवी तुम क्या करो, तुम जीव को जो जो भोग के जो मेरी भोग के वस्तु होती उनका भोग करने लगे, उन सारे जीवों को अपने घर ले जाओ और उनकी चटपट धुलाई करो, कैसे पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जन्म मरण जन्म मरण जन्म, कोई तो होंगे जो थकेंगे और थकना ही है आप सबको जो यहाँ बैठे हैं, ये मत सोचो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं बोलते हैं क्या बाबा क्या लगाए प्याज लहसुन कहाँ से मांस मर्जी से पैदा हो गए, मत सोचो अभी सोच रहे बिकॉज आपकी जो जेब है ना उसमें सूखी भी नहीं, इसको सरल करके बोलूं तो अभी आपकी जो क्लास है इसको लेवल मत समझना, मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, क्लास मतलब जैसे स्कूल में क्लास होती है वो भी लो क्लास में, आप अभी सिर्फ नर्सरी के स्टूडेंट हो इसलिए आप पीएचडी का बात नहीं समझ रहे हो, लेकिन इसी स्कूल में कोई पीएचडी के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं जो ये बात समझ रहे हैं जो गुरु जी ने बोली, समझ आई बात। तो क्या हुआ ये ठाकुर जी ने माया को ऑर्डर किया
कि तुम क्या करो, एक घर बनाओ, उस घर में ये जो संसार है ये भाई माया का घर है, इस घर में उसको बार बार जन्म लेने दो, मरने दो, जब समझ जाएगा नौकर कि देखो मेरी दाल कहीं गलने वाली नहीं, वापस बैक टू गॉडहेड भगवान का भजन करेगा तो वापस चला जाएगा। समझ आई बात? तो पहले जो दो प्रश्न है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, इसलिए बनाई कि हम वापस अपने घर जा सकें, बुरी चीज नहीं, हम लकी हैं, हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि निर्दिवमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम गुरु जी ने बहुत बार बार बताया, सो 3 दिन कॉन्शियसनेस ये बताया, उससे ज्यादा 3 दिन यही बता रहे कथा को नहीं, 3 दिन गुरु जी ये बता रहे कि शरीर कितना इंपॉर्टेंट है, निर्दिवमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, वेरी वेरी दुर्लभ था, जो वेरी वेरी क्या हो गया, सुलभ, आसानी से मिल गया है, वैल्यू करो वरना पछताना पड़ेगा, अभी नहीं तो कल। तो क्या हुआ कि अब भगवान ने पहला प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न था उसका आंसर हमें लगभग मिल गया, समझ आई बात कि दुनिया क्यों बनाई, और दूसरा अगर हम दुनिया बनाई तो हम दूर क्यों हो गए, क्योंकि हमने भगवान की भोग्य वस्तु को भोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न कि हम आ गए यहाँ, गिर के चलो वापस कैसे जाएंगे, तो इसका देखो उत्तर बहुत सरल और सिंपल है, लेकिन उसको मैं थोड़ा घुमा फिरा के बताऊंगा ताकि आप भूलो नहीं। इस संसार को, इस जो हम जिस वर्ल्ड को, जिस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड मिलती हुए जहाँ बैठे हैं पृथ्वी बोलते हैं, इसको शास्त्रों में बड़े गंदे गंदे नाम दिए, इसको कहा गया है दुखालय, संसार का दुख का आलय घर, ठीक है, और इसको नाम दिया गया है क्या, दावानलो, मतलब जैसे संसार, दावा क्या होता है, जंगल में आग अपने आप लगती है, और कोई माचिस की तीली लेके तेल लेके जाता नहीं, अपने आप आग लग जाती है, यहाँ पे भी आप सब में अपने आप आग लग रही है, कोई ला नहीं रहा माचिस तीली लगा नहीं रहा, अपने आप आग लग रही है, इसका नाम है क्या, दुखालय, और बहुत बहुत गंदे गंदे नाम दिए इसको, मतलब इतने डर्टी के जिससे लगेगा कि संसार तो बहुत सच में गंदा है। इसका एक नाम है, देखो एक शब्द होता है उसको बोलते हैं गू, एक शब्द होता है उसको बोलते हैं तम, तम का मतलब होता है अंधकार, डार्कनेस, गू का मतलब भी होता है अंधकार, डार्कनेस। अब हमें इस दुखालय से, इस गू से, इस तम से जो रू की ओर ले जाए, रू मतलब प्रकाश, एनलाइटमेंट, उसको कहते हैं गू रू, जो हमें गू से रू ले जाए, मतलब कौन, श्रील गुरुदेव, जो गू अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। तो जब तक गुरु जी की शरण नहीं लोगे, अंधकार रूपी जो दावा नल रूपी जो भव सागर है, पार होके वापस अपने घर कैसे जाओगे, ताली वाली में बजाओ, बात को सुनो, ताली इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ आई बात, गुरु की शरण लेना ही इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अच्छा भगवान ऐसे क्यों करते हैं, वो डायरेक्ट बुला लेना, लेकिन भगवान के हाथ में नहीं है ये, भगवान डायरेक्ट नहीं बुला सकते, कथा सुनाई थी गुरु जी ने नारद मुनि को और सारी कथा सुनाई थी, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी भगवान जी भी इसको, भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि गार्ड तो गुरु है ना, दरवाजे पे जो खड़ा है वही एंट्रेंस देगा, भगवान थोड़ी ना दरवाजे पे खड़े हैं, वो तो अंदर महल में है, तो गुरु की कृपा के बिना भक्ति नहीं हो सकती, जब तक भक्ति नहीं होगी भगवान नहीं मिलने वाले। अब गुरु तो समझ आ गई कि भैया गुरु चाहिए, तब तक अदरवाइज भक्ति नहीं होगी और भगवान के अपने घर वापस नहीं जाएंगे, 3 प्रश्नों के 3 उत्तर मिल गए। लेकिन अब गुरु कौन होता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। लेकिन हर चीज के सिम्टम्स होते हैं, हर चीज के सिम्टम्स हैं, चंद्रमा के कुछ सिम्टम्स है तब आप उसको चंद्रमा कहते हो, सन के सूर्य के कुछ सिम्टम्स है तब आप उसको सूर्य कहते हो, तो सिम्टम्स नहीं होते उस वस्तु को वस्तु नहीं कहा जाता। तो वैसे ही गुरु के भी कुछ सिम्टम्स है, मैं सिर्फ 4 बता रहा हूँ, अनंत अनंत सिम्टम्स है, मैं सिर्फ 4 बता रहा हूँ, क्योंकि 4 ही का डिस्कशन कर पाएंगे हम, मेन 4। सबसे पहला है केवा विप्र केवा न्यास, इसको बोलते हैं पयार, ये पद नहीं है, ये श्लोक नहीं है, चैतन्य चरितामृत में इसको लिखा गया है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं पयार। तो बोल रहे हैं केवा विप्र केवा न्यासी शूद्र के ने नय जेई कृष्ण तत्ववेता से गुरु है, मतलब चाहे कोई विप्र हो, पंडित हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं है इस बात का, लेकिन जो कृष्ण को जानता है, कृष्ण कौन है, कि कृष्ण एक लड़का है जो इतना बड़ा दिखता है, उसकी उम्र इतनी है, क्या पसंद, क्या खाना, छोटी छोटी बातें बता, ऐसे ही है ये मसल, तो कृष्ण भगवान ने बोल दिया, ऐसा नहीं, जो कृष्ण को वाकई में जानता है, जिससे भगवान मिलते हैं रोज का नहीं, जिससे रोज मिलने आते हैं, वो है गुरु। अब हम पहचान पाएंगे कैसे गुरु को, क्योंकि गुरु जी भी चिन्मय और कृष्ण भी चिन्मय, हम थोड़ी ना
चंद्र भगवान जी को लगी है मल और मूड नहीं लगी हुई और उससे ऊपर तो हमारी बुद्धि है, तो कैसे समझोगे? उसके नीचे सिम्टम शेयर करता हूँ, शायद उससे समझ आएगा। गुरु जी ने बताया गुरु कृपा दे जिज्ञासुम श्रोत्तम शब्द परिचय निष्णातम भ्रम्य प्रश्नाष्टम। पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा श्लोक पर, श्लोक का अर्थ है कि गुरु किसने होता है एबीसी। पहला कि जो शब्द ब्रह्म, मतलब जिनको सारे शास्त्रों का सारा, जिन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन भी किया हो, उनका सार भी पता हो, मर्म भी पता हो। दूसरा सेंटर इस श्लोक में बता रहे हैं जो शब्द परिचय निष्णातम भ्रम्य प्रश्नाष्टम, जिनको भगवान की अनुभूति हो चुकी हो, मतलब पहले बारे से बात मिल रही है, अनुभूति मतलब जो भगवान को जाने पहचाने, ये हम नहीं समझ सकते बात है, या फिर जो विरक्त हो, ये तीसरा सिम्टम है श्लोक का। ये भी हम नहीं समझेंगे, बहुत सारे अघोरी बाबा घूम रहे होते हैं लेकिन वो साधु नहीं है, वो बाबा जी अघोर, वो उनका अलग डिपार्टमेंट है, डॉक्टर इंजीनियर होता है, वैसे अघोरी होता है, साधु नहीं होता। बस जटा बढ़ाने से भी साधु नहीं बनता, या मुड़ा लेने से भी कोई साधु नहीं बनता, ठीक है। तीसरा सिम्टम फिर शेयर करता हूँ क्योंकि दूसरा वाला हम पहचान नहीं सकते, केवा विपर केवा नसीब नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान को कोई जानता है, हम कैसे जानेंगे भगवान किसको मिलने आ रहे हैं। और जो दूसरे में तीन सिम्टम्स बताया है ये भी हमारे रीच के बाहर है। तीसरा क्या बताया, शिव जी कह रहे हैं देखो पार्वती जी से, ये सबसे शिव जी बहुत बढ़िया है, सबसे सरल सरल बात करते हैं पार्वती माता से, हमारे काम की बात है एकदम। वो कह रहे हैं गुरुवो बहवा संति शिष्य वितापहार का दुर्लभा सद्गुरु देव शिष्य संतापहार का। क्या कह रहे हैं? शिष्य के जो वित्त हर लगता है, जो पैसा कमाने में लगा हुआ है शिष्य का, शिष्य बनाता क्यों है कि पैसा, शास्त्र पढ़ना बड़ी बात थोड़ी ना, आप लोग बैठोगे यार पीएचडी कर लिया आपने संस्कृत में तो शास्त्र नहीं रख सकते, रट लोगे। ऐसे ढोंगी बाबा क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए शिष्य का वो शिष्य बना लेते हैं, फिर वो क्या कहा नरक में होगी मिला मिला गुरु चेला, वो वाली बात होती है, उसमें नहीं जा रहे। लेट्स कम बैक। नीचे इसमें क्या बताया, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से देखो वैसा गुरु अति दुर्लभ है, कैसा, जो बहवा गुरु वो बहवा संति शिष्य विपाकार का दुर्लभा सदगुरु और देवी, ऐसा सदगुरु, देखो शिव जी गुरु नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, सद लगाया, सद मतलब सच्चिदानंद में जो सारे भगवान को जानते हैं, सद ट्रुथ जो रियल गुरु है, कैसा है जो शिष्य के संताप हार का, जो शिष्य के संताप हर ले, उसको बोलते हैं गुरु। हमारे गुरु परंपरा में, परंपरा क्या होता है, आप आपके पिता आपके पिता आपके पिता, ये डिस्टर्बेंस मत करो, आप लोग बैठ जाओ एक प्लीज, मैं बोल नहीं पाऊंगा। क्या होता है जैसे परंपरा होती है पिताजी और उनके पिताजी और मेरे पिताजी से, क्या होता है ब्लड, मतलब हमारे अंदर सबका खून दौड़ रहा है, वैसे ही गुरु परंपरा में खून है। देखो मैं आपको बताता हूँ हमारे अंदर कैसे, हमारे लिए मतलब मुझे छोड़कर जो जितने वैष्णव गुरु जी है ना हमारे अंदर कैसा खून दौड़ रहा है, इनके एंशियंस मतलब इनके पिताजी कैसे हैं। एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत छोटी, ध्यान से सुनिए। दो बदतमीज दुष्ट दानव, बोलूंगा तो आप उनको राक्षस समझोगे, इसमें मत जाओ। आप अपने सोसाइटी में सोचो दो ऐसे बदतमीज आदमी जो लड़कियों को छेड़ना, बदतमीजी करना, और ये लड़की छोड़ना भी मिडिल कैटेगरी है, किडनैपिंग भी थोड़ा नीचे का है, मारपीट भी कम है, मतलब किसी के साथ इतना कर देना कि आदमी जी ना सके, मतलब बिल्कुल गंदे गंदे काम करते थे। उनका नाम था जगाई और दूसरे का क्या था, मधाई। क्या नाम था, जगाई और मधाई। ये एक शहर में नवदीप में कोई गांव में वो बदतमीजियां करते थे और बहुत ही इतना आतंक मचा दिया था कि लोग वहां आना जाना नहीं, उस रास्ते से क्रॉस नहीं करते थे, पगडंडियों से लोगों ने जाना शुरू कर दिया, मेन रोड को छोड़ दिया जाना, चौराहे से नहीं जाते थे। तो हमारे नित्यानंद प्रभु है, कल यहाँ लगा था पोस्टर, एक चैतन्य महाप्रभु होते हैं जो पीले वस्त्र में थे, एक नित्यानंद प्रभु होते हैं जो नीले वस्त्र में थे, जो बलदाऊ जी का अवतार कह सकते हैं आप, ऐसे समझो बलदाऊ है, बलराम जी है। तो उन्होंने जब पता चला कि देखो ये जगाई मधाई जो है ये बड़े दुष्ट, अब इनका उद्धार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज ये बाकियों को भी पीस रहने की जरूरत, शांति से बाकियों पे भी देखो उनको कृपा हो रही है कि आम आदमी आसानी से जी नहीं पा रहा, इनका भी उद्धार करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया नित्यानंद प्रभु ने, ये वहां से उस रास्ते से क्रॉस होने लगे, जब ये उस रास्ते से क्रॉस होने लगे तो जगाई मधाई का मजाक उड़ाने लगे, चूंकि अधारी केलकधारी कंटीधारी क्या हरी बोल लगा रखा है, नित्यानंद प्रभु ने कहा स्माइल दे दी, कुछ नहीं बोला, फिर वो बदतमीजी करने लगे। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला देखो भैया तुम कुछ भी कहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे साथ कुछ करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम एक बार क्या बोलो, हरी हरी, क्या बोलो, हरी हरी, बोल के बताओ हरी हरी। उन्होंने बोला सब लोग जगाई, तुम बस इतना करो एक बार हरी हरी बोल दो। तो उनमें से एक है जगाई,
वो बोलता है क्यों बोले हरी हरी, मैं नहीं बोलता हरी हरी। उसने क्या किया, जिस मटके जैसे रखे ना पहले के टाइम में बॉटल्स नहीं चलती थी बियर की या शराब की, वो मटके में रहती थी मदिरा। उसने वो मदिरा लिया, मटका जो था देखो मदिरा अंदर है तो मट थोड़ी गीली सॉफ्ट हो गई है, उसने वो लिया और लेके उनके माथे पे फोड़ दिया, उनका माथा फूट गया और वहां से खून की धार बहने लगी। अब नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं सुनो, देखो हमारे खून हमारी तासीर हमारी मतलब मेरी परंपरा की तासीर कैसी है। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं तुमने एक मटका फोड़ा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितने मटके हैं ना मेरे सर पे फोड़ दो, भड़ाम 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 भड़ाम, मेरा सर खून खून से भर दो, बाजार से सारे मटके ले आओ, जितने विश्व में मटके मिलते ले आओ मेरे सर में फोड़ दो, लेकिन एक बार क्या बोलो हरी हरी, क्या बोलो हरी 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 हरी। मधारी जो था उसके हृदय में थोड़ा बुरा लगा, वो कहता है जगाई को यार छोड़ो। इतने में चैतन्य महाप्रभु ना दूर बैठे थे, क्या कहां बैठे थे दूर, उन्होंने देखो सब देख रहे थे, वो तो अंतर्यामी सब देख रहे थे, तो उन्होंने हाथ में सुदर्शन ले लिया और बोलते हैं मैं जगाई को मार दूंगा। लेकिन जैसे उन्होंने करुणा देखी मधाई के हृदय में वो भी सॉफ्ट हो गए, उन्होंने आया नासू का मन रख दिया। अब देखो क्या हुआ, अभी कहानी खत्म नहीं, सुनो ध्यान से। अब जगाई मधाई जहां जहां से निकलते हैं, देखो नित्यानंद प्रभु को इनको बोलना पड़ा, देखो समझो नित्यानंद प्रभु जो है ना उनको भी इनको समझाना पड़ा कि हरी हरी बोलो और कृपा करनी पड़ी, लेकिन इनकी कृपा नित्यानंद प्रभु से भी श्रेष्ठ है, इनकी कृपा हो गई ना। अब ये जगाई मदाई जहां जहां से निकलते हैं वहां से लोग अपने आप ही क्या बोलते हैं हरी 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 हरी, जगाई मदाई को कहना भी नहीं पड़ता कि बोलो हरी हरी। ऐसे हमारी गुरु परंपरा, ढोंगी बाबा खाली गुरु परंपरा नहीं है, साधारण साधु नहीं है ये। आप दीक्षा मत लो, मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि आप आके मेरे घर में और गुरु जी के पास दीक्षा लो, बिल्कुल मत दीक्षा लो ना, हमें क्या पैसा चबननी चाहिए, आप सिर्फ घर में क्या बोलो हरी हरी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। अब लास्ट पर ये देख लेकर सब करवाड़ हो जाता है, एक प्रभु जी मेरे मित्र हैं और मित्र मित्र को देख लेता है तो मूड चेंज हो जाता है, फिर बताना बड़ा मुश्किल है। देखो आप लोग सब मेरे कहने से एक काम करोगे, ठीक है, थैंक यू। क्या काम है कि आपको अपनी जेब में दो चीजें रखनी है, क्यों रखनी, माला वाला नहीं रखनी, बता रहा हूँ, माला रखोगे जब वो दूध रखोगे तब, अभी जो माला रखोगे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो क्या रखनी है, दो चीज। सबसे पहले दो चीज क्यों रखनी है पहले एक्सप्लेन करता हूँ। हम सब यहाँ दुखी है क्योंकि दुखालय में, इसका कारण हर कोई पूछ रहा है गुरुजी से, साइकियाट्रिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास, कोशिश भी कर रहे हैं खुद को पता चले लेकिन पता नहीं चल रहा। तो सबसे पहले हमें हमारे दुख का पता चलना चाहिए, कारण क्या पता चलना चाहिए, रीजन हमारे दुख होने का, हमारे सैड रहने का, हमारे हमेशा परेशान रहने का। दूसरा चीज, कारण पता चल गया तो निवारण आसान होता है, मतलब रीजन पता चल जाए, बीमार कोई मान ले मैं बीमार हूं तो सही हो सकता है, कोई मान ही ना मैं बीमार हूं तो सही होगा। तो सबसे पहले चाहिए कारण, क्या चाहिए कारण। आपको अगर पता करना है आप क्यों दुखी हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, तो जो दो चीज कह रहा हूँ ना रखने को अपनी जेब में, उसमें से पहली चीज बता रहा हूँ और ये कारण भी आपके दुख होने का, दुखी होने का। तो क्या चीज अपनी जेब में रखो, अपनी अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लो, क्या लो उसको अपनी जेब में रख लो, जब जब बहुत दुखी हो तो फोटोग्राफ को जेब से निकालो और पूछो मेरे दुखी होने का कारण क्या है, कौन है कारण, क्यों वो कारण, क्योंकि तुम भजन नहीं कर रहे हो, सिर्फ यही कारण है, क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे, खुद ही हम खुद के कलेश बने हुए हैं। दूसरों को दोष मत दो, बेटा बहू भाई बंधु सब नॉनसेंस है, आप मूर्ख हो और अपने आप को और मूर्ख बना रहे हो, आप ही कारण है आपके दुखी रहने का। आप अगर भजन करने लगोगे आपके बच्चे भजन करने लगेंगे, स्वभाव है कि गुरु जी कह कह थक गए, एक्चुअली आज सवेरे कह रहे थे उनके गला सूख रहा था, आई कुड नोटिस क्या कह रहे हैं बार बार एक बार कि देखो भजन करो, ठीक है भजन करो, भजन करने से क्या होगा, तुम जब करोगे हरे कृष्णा तुम्हारा छोटा छोटा नन्नू मुन्नू जो है वो भी अपना देख के बैठ जाएंगे। तो जब वो बूढ़े होंगे तो क्या, जब तुम बूढ़े होगे तो क्या तुम्हारे बच्चे तुमको तंग करेंगे, भजन करने से हृदय सरल होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो पहले क्या करो, अपनी फोटोग्राफ को रख लो, ये क्या है कारण है। अब निवारण क्या है, रीजन, अब ये तो पता चल गई प्रॉब्लम हम खुद है हमारे, अब इसका सॉल्यूशन क्या है,
माया 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 बोलने से नहीं होता, सॉल्यूशन बताओ बाहर कैसे जाएंगे माया का, ठीक है। तो निवारण क्या है, निवारण है पर्ची, एक पर्ची काटो, पेपर पहन लो और उसमें लिखो साधु संग, क्या लिखो, ये क्या है निवारण, ये क्या है सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन, क्या लिखोगे फिर से जोर से बोल के बताइए। साधु संग का मतलब क्या होता है, गुरु जी से वो जाओ चाटो, गुरु जी को जाओ बस खाना ला के खिला दो, या कलश यात्रा निकले तो उनके संग से इतना चलो कि गुरु जी गिर जाए लेकिन टोटल यार गुरु जी के साथ आ जाए, ये है साधु संग। साधु एसोसिएशन नहीं, साधु संग मतलब जो साधु कह रहा है, भले ही वो आपको जानता ना हो लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर में फॉलो करने लगोगे तो ये साधु, ये एक नहीं है, ये कई जितने आप हो ना उतने ही है। जैसे परमात्मा एक नहीं है जो हम सबके हृदय में, वैसे गुरु भी हम सबके हृदय में, वो आपके घर में आ जाएगा आपसे बात करने के लिए, फिर किसी को पता नहीं चलेगा आपको दिख रहा होगा जैसे भगवान दिखता है। तो क्या करना है साधु, अभी साधु संग कैसे होगा, पिछले साल एक स्टोरी बताई थी, मैं स्टोरी शेयर नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोग को छोटा सा प्यार शेयर कर रहा हूँ। शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, साधु संगे सर्व शास्त्र कया लव मात्र, साधु संगे सर्व सिद्धि हया, लव बहुत छोटा होता है, एक्सप्लेन नहीं करने का इच्छा कर रहा, लव मतलब बहुत कम, लेश जैसे होता है पानी में तेज जम जाता है ऊपर उसको लेश बोलते हैं, वैसे ही समय से अगर रिलेट कर दोगे, सॉरी रिलेशन करोगे समय से, तो दैट इज कॉल्ड लव। अगर एक क्षण का भी साधु संग हो गया आपका, ऊपरी साधु संग नहीं सच में साधु संग, गुरु जी ने भी बोला कुछ दिन पहले देखो धीमे से जाओ, एक क्लाइंट बना के पछताओ, कोई नहीं गया, ये साधु संग नहीं है। साधु संग मतलब फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो ये बाबा जी यहाँ बैठ के कह रहे हैं उसको फॉलो करना ही है साधु संग, जो वो कहे हैं उसको अपने जीवन में एक बार उतार लो, इसको कहते हैं साधु संग। कल उन्होंने एक स्टोरी बताई एक राजा की और उसकी चार क्वींस की, उन्होंने बोला ये सार है श्रीमद भागवत का, इसमें से मुझे लगता नहीं कुछ चंद लोग होंगे जिनको कथा याद भी होगी, नॉड करने से कुछ नहीं होगा उसको जीवन में उतारना, याद करना भी नहीं है क्योंकि याद करना पहले मना कर दिया, नॉडिंग नहीं, उसको जीवन में उतारना, जब भजन करोगे तो मानेंगे आपने वो कहानी को सुना और सार को अपनाया, दैट इज कॉल्ड साधु संग। जैसे उदाहरण हमारे गुरु जी ने दिए, जैसे एक गमला है उसमें कोई पौधा लगा है, अगर उसमें पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, वो मुरझा जाएगा, वो सूख जाएगी। इसलिए जब तक हम भक्तों का संग करते रहेंगे तब तक हमारी भावना बनी रहेगी, भजन भी करेंगे माला भी करेंगे, लेकिन जब संग से दूर हो जाएगी फिर तो धीरे 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 हमारी भक्ति भावना फिर धीरे धीरे घटते आ जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं 15 दिन नहीं तो 1 महीना में कोई एक भक्त आए और आपको कीर्तन कथा सुनाए, आप लोग चाहते हैं, आप लोग कौन कौन चाहते हैं बात, सब चाहते हैं। देखो अगर चाहते हो कापी लाए हो नोटबुक लाए, आप जब कथा जब विश्राम होगी आप अपना नाम और अपना फोन नंबर दे जाना है, कहाँ पर ये कथा होगी और कब होगी, ये हमारे मदन मोहन प्रभु जी इनको आप फोन नंबर नाम दे जाना, ये आपके पास में मैसेज कर देंगे। आज यहाँ पर कथा होगी वृंदावन से, ये भक्त लोग आ रहे हैं संत लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आपकी जो भक्ति की भावना धीरे 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 आगे बढ़ते आएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनो सत संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनो सुलभ ना होई। ठीक है, आप लोग जाते हैं सब सब अपना फोन और नाम सबके सब बढ़ते जाना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी भगवान आकर के मक्खन चोरी करके और मटक पड़ेंगे, अभी यहाँ पर मटक बांधे हुए बंधे हुए इतना ऊंचा हाथ जाएंगे बच्चों में। ठीक है, अभी भगवान के मक्खन चोरी की लीला सुना, बस श्री मक्खन चोर भगवान की। एक दिन मैया यशोदा कृष्ण के जब गोद में बैठा करके मक्खन खिलाती है, हैं? अभी ब्रज में जितने गोपियां इनके मन में भी इच्छा होती है क्या कृष्ण हमारे घर में भी कभी आएंगे, क्या कृष्ण कभी हमारे घर में भी मक्खन चुरवाएंगे। अभी सारे ब्रज गोपियों की भावना है, इसे ठाकुर जी ब्रज गोपियों की भावना को समझते हुए बोले एक दिन सखाओं को बुलाए, बोले दाम वसुदाम मधुमंगल स्तोभ कृष्ण हम एक नया खेल खेलेंगे,
बच्चों को नया खेल की बात बताओ तो खुश हो जाते, बोले भैया कौन सा नया खेल, बोले हम लोग मक्खन चोरी करेंगे, बोले गंदा बात, चोरी अच्छी चीज नहीं, बोले थोड़ी कोई पैसा चोरी करेंगे, हम तो मक्खन चोरी करेंगे। कृष्ण सोचा दूसरे घर में चोरी करने से पहले अपना घर में चोरी करके मैंने पहले प्रैक्टिस कर लेता, अगर अपना घर में पकड़े में नहीं आऊंगा तो दूसरे घर में भी पकड़ में नहीं आऊंगा। इसलिए एक दिन मैया को नजर बचाते हुए कृष्ण अपना घर में मक्खन चोरी कर लेते, और नंदबाबा का घर कैसे है, पूरा हीरे जवाहरात से बने हुए, जो पिलर है वो मणि की बनी हुई। कृष्ण जब मक्खन चोरी करके खा रहे थे, प्रभु का परछाई मणि स्तंभ में पड़ा। कृष्ण का उम्र अभी 3 साल, अभी उनको ये पता नहीं परछाई भी कोई होता है। कृष्ण जब मक्खन चोरी कर रहे थे, परछाई वो भी चोरी कर रहा था, कृष्ण को ऐसे लगा मानो मेरे घर में मेरे जैसे कोई एक बालक आकर के चोरी कर रहा है। इतने में कृष्ण ने देखा, ये देख लिया भैया को, बोल देगा, बोले देख तू भी था और मैं भी खाता हूँ, लेकिन भैया को बोलना नहीं। अभी परछाई भी वही बोला, तू भी खा मैं भी खाता हूँ। कृष्ण बोले तू मेरे घर में आकर के मेरे को उपदेश दे रहे, वो परछाई भी वही बोला। अभी तो कृष्ण परछाई से ही लड़ाई शुरू कर दी, परछाई से ही लड़ाई शुरू कर दी। इतने में मैया दूसरे घर में काम कर रही थी, इतने में मैया आकर के बोले इसको साथ में लड़ाई कर रहे, घर में तो कोई है ही नहीं। देखा कृष्ण अपना परछाई से ही लड़ाई कर रहा था, बोले लाला तू किससे लड़ाई कर रहे हो, बोले भैया मैया भी देख लिया। इतने में कृष्ण छलांग लगाए और जो पिलर था ना उसको ऐसे ही पकड़ लिए, बोले भैया भैया हमारा घर में एक चोर घुस आया हुआ है। बोले कहाँ पर, बोले ये पिलर के अंदर, बोले देखो ये कितने भोले वाला है, बोले ये बताओ घर में तो चोर घुस करके आ गया, अभी तेरे हाथ में मक्खन कहाँ से आया, बोले ये भी बात सही, बोले भैया तुमने मेरे हाथों में मणि की कंगन पहना दी थी ना, ये हाथ गर्म हो गया था इसलिए मैं मक्खन में डाल करके ठंडा करता था, बोले हाथ को तो ठंडा कर रहा था लेकिन तेरे मुंह से मक्खन कहाँ से आ गया, बोले ये भी सही है, बोले भैया मुंह को ऊपर में भी चिट्ठी चल रहा था, अब ये चिट्ठी को हटाने के लिए गया था मुंह में मक्खन लग गया। भैया बोले लाला तू मेरा अकेला लाला हो, जो कुछ करती हूँ तेरे लिए ही बनाती हूँ, पर ये सब चोरी करने का क्या जरूरत है। कृष्ण ने देखा जीवन में पहला बार मक्खन चोरी की तो पकड़ा गया, लगता है जिंदगी भर में पकड़ में आऊंगा। एक दिन कृष्ण मैया की नजर, गोपियों की नजर बचाते हुए किसी दूसरे घर में चोरी करने के लिए मक्खन, वो गोपी क्या की थी, एक पट्टी में सुंदर मक्खन बना के रख दी थी और कोने में छुप करके बैठी थी, आज कृष्ण मक्खन चोरी करने आएगा ना हम जरूर आज पकड़ कर घर में बांध कर रखेंगे। अभी कृष्ण आए मक्खन खाए, जब मक्खन खाए इतने में वो गोपी पकड़ ली, बोले कहाँ जाओगे, आज तेरे को घर में बांध करके रखूंगी, बोले गोपी आज छोड़ दे कल से नहीं आऊंगा, बोले नहीं आज घर में बांध करके रखूंगी, ये हाथ पिलर के ऊपर हाथ रख। कृष्ण हाथ रखे अपना हा? अपना बेड़ी से अपना पिता को निकाली, एक लपेटे दो लपेटे, लेकिन भगवान का हाथ तो बड़े कोमल है मक्खन से भी, लेकिन बंधन में नहीं आए। इतने में कृष्ण कहता है गोपी तू कभी जीवन में बंधी गई कि नहीं, बोले नहीं, बोले जब तक स्वयं बंधी नहीं जाओगी अरे दूसरों को बांधोगे कैसे, बोले कन्हैया तेरे को बांधना आता है, बोले और क्या, बोले थोड़ी सी सिखा दे, बोले खंभे के ऊपर हाथ रख। वो गोपी खंभे के ऊपर हाथ रखी, कृष्ण एक लपेटे दो लपेटे तीन लपेटे, एक गांठ दो गांठ गुण गांठ अच्छे तरह से बांध दी। जब बांध दिए बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है, बोले और क्या, मैं तो प्रेम में बड़े बड़े ज्ञानी योगियों को भी अपना प्रेम में बांध डालता हूँ। बोले कन्हैया अरे अभी हाथ खोल दे, बोले भैया मैंने अभी तक किसका हाथ खोलना सीखा ही नहीं, मैं तो जीवन में सबको बांधना ही मैंने सीखा, कृष्ण अपना दिखाए ना तो क्या रहोगे। ऐसे ही एक गोपी रोज रोज बोलती मैया तेरे लाला घर में मक्खन चोरी करता है। मैया बोली मेरे को विश्वास नहीं है, मेरे घर में क्या दूध दही की कमी है, आप लोग नंदगांव गए हो, कौन कौन नंदगांव गए हो, वहां पर अभी भी एक तालाब है जिसका नाम छाछ होता है,
भैया के घर में 9 लाख गैया, इतने छांच होता था, पीने वाले के कोई नहीं होते थे, लाख में उसी तालाब को लेकर के उड़ा देते। एक दिन भैया यशोदा नंद बाबा के बोले, मेरे लाला था कमजोर हो रहा है। बोले, लाला कमजोर हो रहा है, कल मैं एक दूध का तालाब बना दूंगा। मेरे लाला खूब तैरते रहे, जी भर करके दूध पिए। दूसरे दिन नंद बाबा के दूध का तालाब बना दिया। ये अभी ब्रज में सब चीते हैं, इसलिए भैया तो मानते नहीं मेरे लाला बकल चोरी करता है। बोले, रंगे हाथों से पकड़ा करके दिखा दे। वो कृष्ण जब गए बकल चोरी करने के लिए, झड़ पकड़ लिए। बोले, गोपी आज छोड़ दे, कल से नहीं आऊंगा, तेरे पांव पड़ता हूँ, तेरे ननंद की पांव पड़ता हूँ, तेरे सांस की, तेरे कसम की, छोड़ दे। बोले, नहीं भैया मानती नहीं, तू मकान चोरी कर, चल। अभी कृष्ण को लेकर के आए, जब आए घर को सामने नंद बाबा बैठे। नंद बाबा लगते जेठ, आपको पता होगा जेठ को पर्दा करते हैं। उनने जेठ को देख करके पर्दा कर दी और कृष्ण को ऊपर में भी कपड़े से ढक दिया। कृष्ण कौन है? ये भगवान है। भगवान किसको कहते हैं? जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकता है, उनको भगवान कहते हैं। लेकिन उनने जब कपड़ा पहके ना, कृष्ण छठ बदल गए, कृष्ण एकदम बदल गए, बदल कर उसका बेटा ही बन गए। हैं अभी मैया यशोदा को उन्होंने पीछे दरवाजा से घूम करके आई। बोले, मैया यशोदा। मैया बोली, कहा बात है? बोले, तुम मानती नहीं ना, तेरे लाला मक्खन चोरी करता है, आज तुम्हें रंगे हाथों से पकड़ करके लाई हूँ। उसी समय मैया यशोदा कृष्ण को पलक के ऊपर में थप थप लगा करके सुला रही थी। मैया बोली, मेरे लाला तो घर में सो रहा है, ये पकड़ करके फिर किसको लाया है? इतने मैया बाहर निकल करके आई। बोले, क्या बात है? बोले, तू मानती नहीं ना, तेरे लाला को आज रंगे हाथों से पकड़ करके लाई। बोले, लगता है कहा की बोला ज्यादा ठेकता है, अरे मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है, तू तो अपना बेटे को पकड़ करके लाए। जब अपना घूंघट खोली और बच्चे को ऊपर कपड़ा खोलती ना, देखा अपना बेटा और कृष्ण अंदर में सो रहे थे। उन्होंने आंख को मलते मलते आए। बोले, भैया तुमने देख ली, ये गोपी कितने झूठ बोलती है, मैं अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाता हूँ, और ये सिर्फ झूठ मूठ का शिकायत करती है। अगर झूठ का शिकायत करती ना, कल से मैं जरूर जाकर के मक्खन चोरी करूंगा। इतने में वो गोपी इतने शर्मिंदा हो गई। बोले, ये क्या हो गया? दरवाजा तब तक सही था, कपड़ा ढकते बदले कैसे गया? वो जब पीछे से जा रहे थे ना, कृष्ण उधर घूम कर के आ गए। बोले, क्यों गोपी, कहा बात है? देखा तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे को चोर बना करके लाया ना, आज तेरे बेटे को मैंने चोर बना दिया। अगर भविष्य में कभी चोर बना करके लाओगे ना, तेरे खसम चोर बना दूंगा। ऐसे ही गोपी रोज रोज बोले, मैया बोलती मैं मांगती नहीं, दिखा दो मेरे को, दिखा दो। वो गोपी ने सोचा, अगर कृष्ण तो ले जाओ ना, पता नहीं बदल कैसे जाता। वो गोपी गई थी जमुना में पानी भरने के लिए, वो आई, देखो तो घर में कृष्ण मक्खन खा रहे, मक्खन खा रहे घर में। बोले, आज मैं ताला लगा करके चाबी का भी लेकर के घर में जाऊंगी और मैया को बुला करके दिखाऊंगी। हैं, जब उन्होंने चाबी का भी लगा करके मैया को घर में पहुंचा, देखा कृष्ण घर में कुछ नटखट कर रहे थे, मैया उनको कुतूहल में बांध करके घर में रखा। वो गोपी बोली, ये क्या, उसको तो मैंने ताला बंद करके चाबी का ढिलाए हूँ, ये बंधा कैसे पड़ा हुआ घर में? लगता है ब्रज में क्या दो दो कृष्ण हो गए। उन्होंने ये आश्चर्य बात और ये गोपी को बोलने के लिए गए, देखा वो गोपी घर में कृष्ण को गोद में बैठा करके पकड़ के लाने। ये क्या, एक कृष्ण यहाँ, एक कृष्ण हुआ, एक कृष्ण यहाँ। जब तीसरे घर में गए, देखा उसको बेटे को साथ में कृष्ण खेल जाए। अभी जिस घर में जाए, कृष्ण को अलग 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 लीला करते हुए देखे, और वो गोपी तो वहीं पर बैठ गई। जब उनकी होश आई, कृष्ण बोले, गोपी ये मत समझो मैं केवल तेरे घर में आता हूँ, नहीं, ये ब्रज में घर घर में लीला करता हूँ। बोले, क्यों? बोले, ये लोग हमें बड़े प्रेम से मेरे को भुला के लिए। बोले, आओ अंगना में, आज तेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल दर्शन के प्यासी को जनिया। आज तेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो
9 बजे से लेकर के 12 बजे तक कथा होगी, उसके बाद में प्रसाद
हाँ सभी के लिए कल प्रसाद की व्यवस्था है, भंडारा इसलिए कल भगवान द्वारकाधीश का शादी। बताओ कौन सा रंग के साड़ी पहन के जाओगे? लाल रंग की चमक धमक जैसे शादी में जाती है ना, कल बांके बिहार की शादी है ना, ठाकुर की शादी, जैसे शादी में जाते हो ना, लगता है आपको शादी का समय का सब चुनरी लहंगा होगा, उसको निकालना कटरा से तो खराब होगा, उसको निकाल करके बढ़िया सर धज करके कहते भगवान की शादी में जो एक बार शामिली हो जाए ना, कहते आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, फिर चिरकाल के लिए कृष्णा आपका अपना दुल्हन बना करके बोलोगे वृंदावन में अपना भटरानी प्रभु बना देंगे। और लास्ट में हम होली खेलेंगे आज में, सब फूल और गुलाल लेकर के आना, ठीक है? कल फूल और गुलाल लेकर के आना, कथा के बाद में यहाँ धूम धाम है, आज में होली रसिया, कल हम होली खेलेंगे यहाँ पर, इसलिए ठीक है। हाँ देखो भगवान ये मक्खन चोरी क्यों करते हैं, ये मक्खन चोरी का तात्पर्य क्या है? कल भगवान आने वाले, देखो आप लोग घर में मक्खन बनाते हो, कौन कौन मक्खन बनाते हो हाथ उठाओ तो, हाँ मक्खन बनाते हो, देखो मक्खन कैसे बनता है और ये मक्खन चोरी का तात्पर्य क्या है? इसका नाम है मक्खन। मक्खन का मतलब क्या? मख मतलब होता है क्रोध संस्कृत भाषा में, और न मतलब होता है नहीं। भगवान किस चीज की चोरी करते हैं? जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं, ठाकुर जी उसकी हृदय को ही ठाकुर जी चोरी करते हैं। बोले ये काम क्रोध लोग कहाँ नहीं, बोले संतों का हृदय में। बोले संतों में सबसे बड़े संत कौन है? बोले ये ब्रजवासी है, ये ब्रज की गोपिया, ये संत शिरोमणि, ये ब्रज गोपी। गोपी मतलब क्या है? वो मतलब होता है इंद्रिया, अपी मतलब होता है बिना, जो नित्य निरंतर आना इंद्रियों को द्वारा कृष्ण रस को जो पीवक की को गोपी है। इसलिए भगवान मक्खन चोरी करने नहीं, गोपियों की हृदय को चोरी करने प्रभु आते थे। वो क्या चोरी करेंगे? सारा दुनिया का मालिक तो भगवान, वो किस चीज की चोरी करेंगे? केवल भक्तों की हृदय को चोरी करने आते हैं। देखो मक्खन कैसे बनता है, ध्यान देख रहे, जैसे मक्खन बनाने के लिए सबसे पहले दूध लाओ और दूध को गर्म कर। बोले दूध गर्म करना मतलब क्या? बोले जब किसकी हृदय में भगवत प्राप्ति की जो उत्कंठा हो, ठाकुर जी कब मिले, ठाकुर जी कब मिले, ठाकुर जी ब्रज को कब मिले, यही दूध गर्म करना है, यही होता है दूध गर्म करना। अभी दूध गर्म हो गया, फिर उसके बाद में क्या करते हैं? इसमें जमन डालते हैं, अगर जमन ज्यादा हो जाए ना फिर वो खट्टा हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी परिमाण से जमन होनी चाहिए। बोलिए जमन क्या चीज है? बोले जब किसकी हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा हो, फिर भगवत इच्छा से उसको सदगुरु की प्राप्ति होती है। जैसे ध्रुव जी तपस्या करने के लिए तो गए, लेकिन प्रभु उसको दर्शन नहीं दिया। बोले क्यों? बोले उन्होंने जीवन में कोई गुरु नहीं बनाया। जब वैकुंठ में भगवान नारायण बड़े चंचल हो रहे थे, माँ लक्ष्मी पूछा प्रभु चंचल क्यों हो रहे हो? बोले एक छोटा बालक 5 साल का, वो कठोर तपस्या कर रहा है मेरे को पाने के लिए। बोले प्रभु जाओ ना दर्शन दो। बोले लक्ष्मी मैं भी बंधा हुआ हूँ। बोले किस चीज में? बोले जब तक कोई जीवन में सदगुरु नहीं अपनाता है तब तक मेरी दर्शन उसको नहीं होता है। अभी तक उसने कोई सदगुरु नहीं बनाया, उसने कहीं सदगुरु नहीं बनाया, इसलिए मैं दर्शन नहीं दे सकता हूँ। देखो हम पर ये गुरु जी क्यों बनाते हैं? देखो उसका कारण बताए हमारे संतों ने, कल उदाहरण दिया, कहते ऐसे कुछ पेड़ है, वो पेड़ का अगर बीज आप डायरेक्ट लेकर के बो दो ना, देखना वो पेड़ नहीं होगा, वो पेड़ नहीं होगा। आप बता सकते हो ऐसे कौन सा पेड़ है जिसका बीज अगर आप डायरेक्ट लेकर के बोगे वो वृक्ष नहीं होगा? बता सकते हो? पीपल। कोई बता सकता है पीछे कौन बैठे, कौन बता सकते हो? ऐसे कौन सा वृक्ष है जिसका बीज लेकर के डायरेक्ट बोने पर वो पेड़ नहीं होता? कोई बोल सकता है पीछे? बताओ कौन कौन बोल हाथ होता कौन सा पेड़? कहते विशेष करके बहुत सारे पेड़, विशेष कर दो पेड़ है, एक पीपल पेड़ और एक बरगद का पेड़। आप कभी भी नहीं देखोगे
ये दोनों वृक्षों को नीचे गए, पिपल पेड़ और बरगद का पेड़। आप देखोगे बरगद पिपल पेड़ कई छतों पर, कई पेड़ को ऊपर, ये वृक्ष देखो कैसे क्यों बोलो, वो वृक्ष का एक नियम है, जब उसका बीज कोई चिड़िया खाए उसका पेट में वो बीज जाए, फिर जब ये चिड़िया उसको बीट करता है, वो बीट करता है, फिर जाकर वो वृक्ष होता है। इसलिए अक्सर करके आप देखना, एक वृक्ष बनने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है, एक है मिट्टी, दूसरा है पानी, तीसरा हवा। जब ये तीन चीज होगा जाकर के कहीं वृक्ष होगा। आप देखना ये पीपल पेड़ और बरगद पेड़ का, आप देखना ये कहां पर सीमेंट के ऊपर में, छत के ऊपर में जहां मिट्टी मिट्टी कुछ वही नहीं, वहीं पर ये वृक्ष हो जाती है। और इतने कभी कभी इतने स्ट्रांग होता है, कभी कभी ये सीमेंट को ये फाड़ देता है। आप देखा तो पेड़ को उखाड़ दो, तोड़ दो, फिर दोबारा वहां वृक्ष हो जाती है। बोले क्यों, कहते जब किसी चिड़िया को पेट में ये बीज जाती है ना, उतने इतना उसको ताकत मिलती है, वो सीमेंट के ऊपर में भी वृक्ष हो जाती है। कहते उसी तरह जो मंत्र है हम किसी साधु से क्यों ग्रहण करते हैं, बोले इसका कारण बताया, अगर भगवान का नाम तो शास्त्र लिखा हुआ पढ़ लो ना, वही से तुम्हारी हो जाएगी। बोले नहीं, वहां से पढ़ने पर नहीं हुई, जब किसी ये बीज किसी भक्तों के हृदय में जाए, उनके हृदय से जब उन्होंने उनका हृदय में जाएगा, उनके हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम, जब भावना जब उन्हें किसी भक्तों को फिर प्रदान करते हैं, हमारी हृदय निरस होने पर भी, सूखा होने पर भी, ये सूखा हृदय में भी भक्तों को भक्ति की संचार कर देते हैं। जैसे वाल्मीकि, ये पहले दशरथ नगर था, इतना बड़ा पापी था, उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला, लेकिन चूंकि नारद जी मुंह से बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते, बोले हाँ मरा मरा तो बोल सकता, इसलिए उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार कर सुमन मन माई। इसलिए नियम है मंत्र किसी भक्तों से ग्रहण करनी चाहिए। देखो एक संत बड़ा सुंदर कथा सुना रहा था, बोले एक समय किसी के घर का पिंजरा में एक तोता था, उसके घर में एक संत आकर कथा कर रहे थे, वो कथा कर रहे थे, देखो जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम लेते हैं ना, वो भवसागर से पार होकर के ठाकुर जी के पास में चले जाते हैं। जब ये संत कथा कर रहा था, वो तोता वो पिंजरा में बंद था, वो तोता ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है झूठ है झूठ है। वो संत ने कहा भैया तू झूठ झूठ क्यों कह रहे हो, बोले आप कह रहे हो जो भगवान के नाम लेता है भवसागर से पार हो जाता है। बोले हाँ, बोले देख मेरे को देखो ना, कोई भी आता है मैं इसको राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोलता हूँ, मालिक को तो रोज रोज मालिक को राधे राधे राम राम बोलता हूँ, लेकिन बोलते बोलते ये छोटा सा पिंजरा से भी मेरी मुक्ति नहीं। आप कह रहे हो भवसागर से पार हो जाएगी, इसलिए मेरे को कोई विश्वास नहीं होता। इतने में वो घर में आया, उसकी गुरु जी को बताया, बोले गुरु जी ऐसे ऐसी बात है, मैंने बोल रहा था ठाकुर का नाम से संसार पार हो जाएगा, वो तोता कहता है झूठ झूठ नहीं नहीं। गुरु जी ने बोला मैं चलता हूँ तेरे साथ, बोले जा तू कथा कर, तब फिर चला जाकर कथा किया। जब भगवान का कोई नाम ग्रहण कर तो जी भवसागर से पार हो जाता है। इतने में तोता बोले झूठ झूठ नहीं नहीं। गुरु जी ने बोला भैया तुमने क्यों झूठ झूठ नहीं नहीं बोलते हो, बोले आप मेरे को देखो ना, ये छोटा सा पिंजरा में अभी मैं हूँ, दिन भर राम राम राधे राधे बोलता हूँ, अभी ये छोटा पिंजरा से ही मुक्ति नहीं मिली। वो संत कहता है गुरु जी बोले इसलिए तेरे को मुक्ति नहीं मिली, चूंकि तुमने किसी साधु से ये नाम ग्रहण नहीं किया, किसी साधु से तुमने नाम ग्रहण नहीं किया। इतने में वो तोता ने कहा फिर आप मेरे को नाम दे दो, फिर जो साधु था ना वो तोता को बाद में धीरे 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 कुछ बात बताया। जब बात बताई इतने में जब वो साधु कथा समाप्त हो गई, इतने में वो तोता ने शरीर छोड़ दिया। बोले भैया धन्य है, देखो ये तोता कथा सुनते सुनते उसने शरीर छोड़ दिया, इतने बड़ा पुण्यात्मा ये तोता है, चलो ये तोते की हम अर्थी निकालेंगे।
तोता का अर्थ निकालेंगे। इसलिए अभी तोता को बाहर निकाल करके सुंदर माला पहनाया, जब अर्थ निकाल करके उसको ले जा रहे थे ना, इतने में तोता ने फर करके उनको चला गया। वो तोता ने फर करके उनको चला गया। क्यों? वो संत ने कहा था, अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो मरने का बहाना बना, अब तेरी जब आरती निकालने ना फिर फर कर उड़ जाना। इतने वो संत कह रहे, बोले क्यों तोता, गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलते कि नहीं? बोले हाँ, तभी मुक्ति मिलती है जब गुरु जी की मुंह से भगवान के नाम ग्रहण करोगे, तभी तुमको ये मुक्ति तभी मिलेगी। इसलिए यहाँ पर बताए कि जो चमन, चमन क्या है? बोले भगवान का नाम जब हम किसी गुरु जी से ग्रहण करते, अभी दही जम गया, जम गया तो फिर क्या करो, उसको मंथन करो, उसको मंथन। बोले भैया ये मंथन क्या चीज है? बोले गुरु जी से हरि नाम ले लिया, अगर माला अगर लटका करके रखी दोगे क्या फिर वैकुंठ चले जाओगे? नहीं, उस पर नाम जप करना पड़ेगा। गुरु जी से जब हम भगवान के नाम लेते हैं, समझो ये ठाकुर स्वयं हमारे पास में आए, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम। अभी ठाकुर जी हमारे पास में आए, नियम है रोज नियमित करके भगवान की माला जप करनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर एक दिन गुरु जी से माला लिया, अगर एक दिन जप नहीं किया तो मतलब किया सारा दिन ठाकुर जी भूखे ही रह गए, ठाकुर जी कुछ पहनाए नहीं, ठाकुर जी स्नान नहीं किया। क्यों? भगवान ही नाम रूप में आए, इसलिए माला को भी भूखा नहीं रहनी चाहिए, भूखा नहीं रहनी चाहिए। जैसे मानो हम बम्बे जाएंगे, हमने एक टिकट बनाया लेकिन पॉकेट में रख दिया, क्या बम्बे पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सके। आपको रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा, अपना कोच देकर के नंबर से बैठोगे, फिर जाकर के कहीं बम्बे में पहुंच सकते हो। इसलिए ये मंथन का मतलब होता है साधन करना, इसको साधन करना पड़ेगा, फिर जाकर क्या निकलेगा? मक्खन। एक तरफ में मक्खन और दूसरे तरफ में छाछ निकलेगा। ये मक्खन क्या है? बोले प्रेम ही मक्खन है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले संत हृदय न बलि त समाना, संत हृदय नीचे नीचे तो वैसे सब लोग नीचे
अरे तो भोग तो लग जाने दो, भोग लग जाए अभी रखो वहीं पर, अभी गिरिराज की भोग लगेगा, जो लोग वहाँ खड़े हुए हैं सब बैठ जाए, सब अभी गिरिराज की कथा होगी, भोग लगेगी, फिर गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे, वहाँ पर जितने भक्त लोग खड़े हैं सबको बैठा दें, सबको बैठा दो वहाँ पर, बस गिरिराज महाराज की जय। बोलो गिरिराज महाराज की, जय जनाबे आरो आया है जोर से, बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा। गिरिराज के सामने जो लोग खड़े हैं सब बैठ जाए, अभी तक वो हरि वाला मक्खन था, सब बैठ जाओ, सब जो जहाँ रहे सभी बैठ जाए, अभी अभी कितने दुनिया बोले। हाँ देखो गिरिराज कौन कौन गए हैं, गिरिराज कौन कौन गए हो, सबके सब गए हो, तो गिरिराज आज यहीं पर आ गए, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन है एक और ये गिरिराज गोवर्धन आए कहाँ से, आज इनकी अच्छी अच्छी हम कथा सुनेंगे, गिरिराज क्योंकि ये गर्ग संहिता की कथा है, एक दिन बोलो को वृंदावन में भगवान कृष्ण वाक्य बिहारी श्री राधा रानी से कहती है, बोले हे राधे ये मरते जगत में भी जाना चाहता हूँ, मेरे साथ में तेरे को जाना पड़ेगा। राधा रानी बोली मैं नहीं चलती, बोले क्यों, बोले जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ पर नर्मदा बरसा नहीं, जहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, मैं वहां जाना नहीं चाहता। कृष्ण बोले हे राधे जब नहीं ये मरते जगत में उतरूंगा, ये जो गोलोक वृंदावन तुम दर्शन कर रहे हो, ये पूरा का पूरा ये गोलोक वृंदावन को भी उतार लूंगा, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में सारे ग्वाल बाल जाएंगे, मेरे पिता माता जाएंगे, तू अकेली नहीं, तेरी पिता माता, तेरी सखियां, ये सब के सब मेरे साथ में चलेंगे, और जो संपूर्ण नंदगांव बरसाना देख रहे हो, ये सबके सब मरते जगत में चलेंगे, अकेले नहीं जाएंगे, चलोगी? राधा रानी बोली मैं चलूं। इसका मतलब है कि जो गिरिराज गोवर्धन यमुना नदी नंदगांव ये बरसाना कौन है, ये साधारण नहीं, ये गोलोक वृंदावन से जो वाक्य बिहारी भक्त जगत में आए, पूरा गोलोक वृंदावन को उन्होंने उतार दिया है, ये पूरा गोलोक वृंदावन उतर गई है,
इसलिए एक समय राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे ऐसे एक सुंदर स्थान हो जहां पर एक साथ में 6 ऋतु बता हुआ, जहां पर हर तरह का फल फूल से भरा पड़ा हुआ, जहां पर सुंदर झरनाएं हो, सुंदर सरोवर हो, सुंदर नदी हो, पृथ्वी का सबसे सुंदर एक स्थान होना चाहिए। तब राधा रानी अपना हृदय से ही ये गिरिराज गोवर्धन को प्रकट करते हैं, इसलिए गिरिराज को बताए प्रकृति ही मनसा ज्ञात, मतलब मूल जो प्रकृति राधा रानी की हृदय से ही गिरिराज प्रकट हुए। तो श्री गिरिराज बाबा की देखो, जो जिसने जोर से गिरिराज की जय करो, गिरिराज की थोड़ी जय, मतलब जय जय यही है, गिरिराज की जो जयकार देगा उसका ही जय होगा। कल मैंने बताया था ना, गिरिराज कौन है, ये सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब गिरिराज से आप जो मांगो। हमारे बड़े जी कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं स्वयं कांके बिहार इसको पीछे 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 चलते हैं, जो मानते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन को, गिरिराज सारी इच्छाओं को गिरिराज जी पूरा कर देते, सारी इच्छाओं को। हमारी आपकी बात छोड़ दो, कृष्ण के भी इच्छा को पूरी करने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन है, इसलिए इनका नाम क्या है, गोवर्धन गिरिराज। गिरिराज क्या मतलब क्या बोले, गिरियों में जो राजा है, ये गिरिराज गिरियों में सर्वश्रेष्ठ है। वो मतलब होता है इंद्रिया, वो मतलब को, वो मतलब गावी, वो मतलब ग्वालवा है, और पालन मतलब को बंधन, मतलब ये सबको जो बढ़ाने वाले, ये सबको जो सेवा करने वाले कौन है, श्री गिरिराज महाराज जी। इनकी पूजा किसने की, किसने पूजा की, स्वयं बांके बिहारी की पूजा की, परिक्रमा लगाई किसने, स्वयं बांके बिहारी राधा जी को साथ में लगाए। इसलिए भगवान जब ये जगत छोड़ कर गए, संपूर्ण दुनिया को लेकर गए, लेकिन केवल उन्होंने 3 चीज जगत में छोड़ कर गए हमारे लिए, बोले वो 3 चीज क्या है, बोले पहला नंबर श्री गिरिराज गोवर्धन, दूसरे नंबर में ये जमुना महाराज, तीसरे नंबर में ये ब्रजधाम। ये 3 चीज ठाकुर जी हमारे लिए छोड़ करके 3 चीज केवल ठाकुर जी गए। इसलिए कहते हैं गिरिराज और जमुना कौन है, यमुना नहीं, जब राधा कृष्ण का प्रेम द्रवीभूत होकर के पानी रूप में वो बहती है, ये साक्षात यमुना पटगा। जब राधा कृष्ण का प्रेम कहीं जम जाती है, कहीं जमा हुआ रूप है, यदि ये श्री गिरिराज गोवर्धन, ये गोवर्धन नहीं, राधा कृष्ण का जमा हुआ ये प्रेम श्री ये गिरिराज गोवर्धन। इसलिए मैंने कल बता रहा था, ये गिरिराज गोवर्धन जो गए होंगे देखे होंगे, वहां पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ, गिरिराज शिला के ऊपर शिला, बोले क्यों, बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए ना, जितना शिला के ऊपर में शिला रखोगे उतना मंजिली मकान ठाकुर जी उसको दे देते हैं। पेड़ में पेड़ बांध देने पर बेटियों की शादी हो जाती है, आप जो गए देखे होंगे दूध की धार लगाने की परिक्रमा करते हैं, जिनको नौकरी चाकरी नहीं, जिनकी बिजनेस नहीं चल रही है, ये गिरिराज गोवर्धन सारी इच्छाओं को श्री गिरिराज गोवर्धन पूजा कर पूरी करते हैं। जो लोग गोवर्धन गए होंगे देखे होंगे 12 महीना वहां अग्निकुट चलती, बड़े बड़े दूर से बड़े बड़े लोग आकर के 12 महीना वहां पर गिरिराज ने 56 भोग और गिरिराज की अग्निकुट महोत्सव, गिरिराज की कलयुग में प्रत्यक्ष देवता श्री गिरिराज महाराज। इसलिए जो जितने जोर से जय देगा ना, उसको उतना ही जय जयकार होगा। एक बार जोर से गिरिराज की जयकार लगाओ, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अभी लग रहा है जैसे गिरिराज की पूजा होने वाली है। अब ये यहाँ है भैया, ये गिरिराज है कौन, इनकी अलग अलग कथा है। बल एक समय ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों कठोर तपस्या थी। जब बांके बिहारी संतुष्ट हुए, बोले बताओ क्या चाहिए तुम्हें, बोले ठाकुर जी आपकी चरण की हमें सेवा चाहिए। बोले किस रूप में चाहते हो,
मेरे सखा बन करके ग्वाल बाल बोले नहीं नहीं बोले बहन किस रूप में बोले प्रभु जी अगर ब्रज में किसी पत्थर रूप में भी हमारी जन्म हो जाए पहाड़ रूप में भी हमारी जन्म हो जाए तब हम ये जीवन को सार्थक कमाएंगे। भगवान तथास्त बोल दिए इसलिए स्वयं शंकर जी आप लोग नंदगांव गए होंगे आप देखना वहां पर श्री नंदीश्वर महादेव देखो ये नंदीश्वर महादेव कौन है नंदी का ईश्वर शंकर जी जो नंदगांव गए होंगे ऊपर देखे होंगे वहां पर नंदीश्वर शंकर जी ये नंदगांव नहीं ये स्वयं श्री भोले बाबा है। कहते बरसाना कौन है बरसाना कौन बन गए हो आप देखना जब सारे सीढ़ियों को पार करोगे सीधा हाथ में देखोगे ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली 60,000 साल ब्रह्मा जी तपस्या करके वो पर्वत रूप थे और जो गिरिराज गोवर्धन कौन है ये साक्षात भगवान विष्णु ये साक्षात रूप में ये गिरिराज रूप में स्वयं विष्णु बने हैं। आप गिरिराज की शिला की कोई भी एक टुकड़े को उठाना कोई भी एक टुकड़े को उठाना आप देखना कृष्ण का जरूर उतना कुछ चिन्ह होगा चरण होगा नहीं तो बाल गोपाल होएंगे नहीं तो उसमें अनंत देव होएंगे जरूर हर शिला में प्रभु की रूप देखने को मिलेगी। ऐसे श्री गिरिराज महाराज जी है ये कोई ब्रज का प्रकट देवता इसलिए इनकी एक रूप ये कौन है विष्णु बोले इनके दूसरे रूप कौन है ये बातें भी है ये और कोई नहीं ये बातें भी है एक रूप में तो पूजा करवाए और दूसरे रूप में पूजा को ग्रहण किया है ये बातें भी है बोले तीसरा स्वरूप कौन है बोले भागवत का वेणु गीत ने बताए बोले हंता या अद्री अबला हरिदास वर्ज्य राधारण कह रही बोले कृष्ण की ये सबसे बड़े सेवक श्री गिरिराज सबसे बड़े सेवक क्यों कृष्ण गैया कहाँ चराए गिरिराज ने पानी कहाँ पीते थे गिरिराज से जल विहार कहाँ किया गिरिराज ने रास कहाँ रचा गिरिराज ने फल कहाँ खाए गिरिराज से मधु कहाँ खाते थे गिरिराज से गन्ने कहाँ से खाते थे गिरिराज से गैया वही पर घास खा कर दूध देते हैं दूध से दही मक्खन बनता है इसलिए इनका नाम है गोवर्धन वो मतलब इंद्रिया वर्धन मतलब जो इंद्रियों को बढ़ाने वाले इस सब इंद्रियों में सेवा करने वाले श्री ये गिरिराज बाबा ने बस गिरिराज बाबा देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे अगर ये गिरिराज गोवर्धन को धन दौलत पुत्र परिवार दुकान मकान जो मांगो भी आसानी से देते आसानी से ये चीज को दे देते हैं लेकिन एक चीज इनसे मांगो ना फिर वो विचार करते हैं बोले क्या है अगर इनसे प्रेम मांगोगे भक्ति मांगोगे फिर ये विचार करते हैं इसको दुख नहीं क्यों दुनियादारी दे करके तो छूट जाते हैं लेकिन अगर किसको ये भक्ति प्रदान करे ना अगर किसको ये प्रेम प्रदान करे ना फिर भगवान को बंधना पड़ता है इनकी प्रेम में बंध जाना पड़ता है इसलिए भगवान सहज में जब भुक्ति मुक्ति दे प्रभु भक्ति राखे लुकाया भुक्ति मुक्ति तो आसानी से दे देते हैं लेकिन जो प्रेम को प्रभु छुपा करके रखते हैं ये प्रेम को सहज में नहीं देते हैं ये प्रेम भी दे देते हैं अगर आप हृदय से मांगोगे ना ये प्रेम भी आपको प्रदान कर देंगे। अभी कृष्ण जो ये गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा करवाई क्यों और ये गिरिराज गोवर्धन आए कहाँ से इसकी दो कथा थी एक कथा इनकी है जिस समय भगवान राम लंका को जाने के लिए पुल बांध रहे नल निम्न ने बताया समुद्र ने बताया प्रभु राम आपको पास में दो बंदर है एक नल और एक नील है इनको ऋषियों का वरदान है जो चीज को स्पर्श करके छोड़ देंगे वो डूबेगा नहीं वो तैरेगा वो डूबेगा नहीं वो तैरेगा आप एक काम पर पत्थर लाओ स्पर्श करा के छोड़ पुल बंद रहेगी भगवान राम ने कहा बंदर को बड़े से बड़े पत्थर लेकर के आओ जल्दी बंद जाओ हनुमान जी ने देखा भैया बड़े से बड़े पत्थर कहाँ मिलेगा इतने में हनुमान जी चले गए सालबली पर्वत के पास देखा ये गिरिराज गोवर्धन इतनी बड़ा ये गिरिराज गोवर्धन आप गए देखे ना पहले गिरिराज इतना बड़ा नहीं थी शास्त्र में आता है 64 फीट ऊंचाई थी इतने बड़ी गिरिराज लेकिन पुलस्त ऋषि के अभिशाप से धीरे धीरे
एक दिन तय होते जा रहे हैं। इसलिए अभी हनुमान जी देखा पर्वत को बड़ा पर्वत है, अगर ये पर्वत ले जाना जल्दी जल्दी पुल बन जाएगी। इतने में हनुमान जी जय श्री राम बोल करके पूरा गिरिराज गोवर्धन उठा ली और आकाश में उड़ते भी आ रहे थे। अभी गिरिराज गोवर्धन जहाँ पर जब वहीं पर आए, इतने में गिरिराज गोवर्धन कौन है, कृष्ण के सेवक है, भगवान से प्रार्थना किया और इतने में जो पुल बन रही थी वो पुल बनना समाप्त हो गया। इतने में प्रभु राम बताए बोले हे बंदर सही अभी पत्थर की जरूरत नहीं, पुल कंप्लीट हो गई, जहां से आप पत्थर ला रहे हो पत्थर को वहीं रख लो। इतने में हनुमान जी ये गिरिराज गोवर्धन वहीं पर रख दिए। वो गिरिराज तो साधारण नहीं थे, हनुमान जिसको बोले आप इतने दूर से मेरे को लाए हो और बीच में रख करके कहां जा रहे हो, अगर हम वहां ले जाते तो प्रभु की चरण की सेवा भी लगता है ना, ठाकुर जी चल करके जाते, मैया सीता आती, सब भक्तों का सेवा में लगता, मेरे को यहाँ रख दिए। रोने लग गए। हनुमान जी बोले गिरिराज जी कोई चिंता मत करो, यही राम जी द्वापर युग में श्याम बन करके आई, अभी तो तुम्हें थोड़ी सी सेवा मिलता, उस समय तुमको कृष्ण बाम हाथ कनिष्ठ अंगुल को बल में तेरे को सात दिन तक धारण करेंगे, सारे ब्रजवासी उसको नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, कृष्ण गैया चराएंगे, रास रचाएंगे, कृष्ण की बड़ी सेवा तुमको मिलेगा, इसलिए कोई चिंता मत करो, यही आओ। ये एक कथा है। तो दूसरी कथा, एक पुलस्त्य नाम का ऋषि थे, ये जन्म हुए गिरिराज गोवर्धन जब गोलोक वृंदावन से आए, इनकी पिता माता का नाम था द्रोण और उधरा, इस सालमल द्वीप में जन्म हुई। एक दिन अगस्त ऋषि वहां पर गए और गिरिराज को देखा बड़ा सुंदर है, फल फूल लता पताओं में भरा हुआ अपूर्व श्री गिरिराज गोवर्धन, छह ऋतु बह रहा है, बेली चमेली केतक की माला की फूल खिला हुआ। ऋषि को तो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने उनको पिता माता जी से बोले मैं आया हूँ काशी से, वो काशी एकदम सूखा मरुभूमि जैसे, वहां पर कोई झरना नहीं कोई जंगल नहीं, हमने देखा आपका जो बेटा बड़ा सुंदर है, आप अपना बेटा गिरिराज को दे दो, अगर कोई बोले तुम्हारे बेटा को दे दो आप दे दोगे बेटे को, बोले ये कैसे साथ होगा तो बेटे को दे दो। उन्होंने देखा अगर इनको मना कर दो ना अभिशाप दे देंगे, बोले देखो आप बेटे को ही पूछ लो वो जाएगा कि नहीं, आप उनको ही पूछ लो। जब उन्होंने गिरिराज से पूछे, गिरिराज बोले मना कर दो अभिशाप दे देंगे, बोले देखो मैं दो शर्त पर जाना चाहता हूँ, बोले क्या शर्त है, बोले पहला शर्त है मैं चल करके नहीं जाऊंगा, मेरे को उठा करके ले जाना पड़ेगा, बोले दूसरी शर्त अगर कहीं बीच में मेरे को रख लिया आप अपवित्र हो गए तो फिर मैं वहां से चल नहीं सकता, बोले कोई बात नहीं। वो पराक्रमी साधु थे, पुलस्तरी सी पूरा गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया, उठा कर जब जा रहे थे जहां पर श्री गिरिराज गोवर्धन आप देखे होंगे, जब वहीं पर आए इतने में श्री गिरिराज तो भगवान के नित्य सेवक है, उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना किया हे ठाकुर जी मैं तो तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ, ये कहाँ ये ऋषि मुझे काशी फांसी देने ले जा रहा है, क्योंकि काशी वहां पर ज्ञानी ब्रह्म वहां पर जो मायावादी भगवान को निराकर मानने वाले साथ, बोले वहां कहाँ ले जा रहे हैं, वो तो ब्रह्मवादी ज्ञानी, ये ब्रज भूमि तो रस भूमि है, प्रभु मैं चाहता हूँ आपकी चरण की सेवा करने के लिए मेरे को यही पर स्थान दे दो। इतना बोलते ठाकुर जी अपना माया का आदेश दिया, माया आदेश देते ही पुलस्त्य ऋषि को इतने जोर से लघु संख्या लगा, उसने लघु संख्या को रोक नहीं पाए, हैं कपड़ा ने पैसा हो जाएगी, वो लघु संख्या करने बैठे ना घंटे तक उनको लघु संख्या खत्म नहीं हो, क्यों भगवान ने माया ऐसे रचा। बड़े देर में उठा, हाथ पैर धो करके जब उठाने के लिए गया ना और गिरिराज नहीं उठ रहे, बोले भैया क्या बात उठो, बोले मैंने अपने क्या शर्त लिया था हाथ को उठा करके ले जाओगे, बीच में रखना नहीं, अपवित्र होगा तो स्पर्श नहीं करोगे, एक घंटे तक आप लघु संख्या में बैठे हो, इसलिए मैं यहाँ से जाने वाले नहीं, पुलस तरी से अभिशाप दे दिया, बोले मैं तेरे को अभिशाप दे रहा हूँ तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, हर पल में एक शरीर से एक शरीर से क्षीण होती जाओगी, इसलिए पहले गिरिराज विशाल था,
धीरे 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 घटते जा रही है, लेकिन जब घोर कलयुग आ जाएगी ना, ये जमुना भी नहीं रहेगी, गंगा भी नहीं रहेगी, ये गिरिराज भी नहीं रह जाएगी। जब घोर कलयुग हो जाएगा, काट काट मार मार कर शुरू हो जाएगी है घोर कलयुग में, ये धीरे धीरे सबके सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए गिरिराज की दो कथा आती है। अभी भगवान कृष्ण गिरिराज को पूजा क्यों किया, ध्यान लेकर सुनो। इसके पीछे चार कारण बताए कृष्ण गिरिराज ने क्यों पूजा किया। पहला कारण है, कृष्ण शिक्षा देते हैं अगर पूजा करना ना गिरिराज को नहीं सुन पाके गया, झोली फैलाओ तो गिरिराज के चरण में झोली मिला और कहीं झोली पर फैलाया कर। इसलिए उन्होंने किसकी पूजा बंद की, स्वर्ग का इंद्र राजा को उन्होंने पूजा बंद कर दी। बोले पिताजी पूजा करना तो गिरिराज को मत धन की पूजा करो, सारी इच्छा को यही पूरी करने वाले, झोली फैलाओ तो श्री गिरिराज वो सामने अपना झोली फैलाओ, वही तुम्हारी झोली को भरने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन। शिक्षा देते हमें इधर उधर देवा देवी के पास में भटकनी नहीं चाहिए। दूसरे दूसरे देवा देवी तुम्हें जो देगा केवल संसार में बांधने वाले से देगा और दुख का वस्तु देगा, सुख का वस्तु नहीं देगा। अगर कोई बंधन से मुक्त करने वाले और परम शांति देने वाले केवल श्री राम के बिहारी। इसी जगत का तो धान इतने देखे तो सोच नहीं सकते हो। सुदामा जी को दिए कि नहीं, सोने के महल बनाए। ध्रुव जी को दिए कि नहीं, पूरा पृथ्वी का राजा बना दिए। इसलिए ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, जितने कृष्ण का भक्तों को देखो ना, सब महाराज महाराज, राजा नहीं ये महाराज है। इतने संपत्ति देते हैं ये दुनिया की जो सोच नहीं सकते, और उसको बाद में चिरकाल के लिए तो अपना चरण में स्थान दे देते हैं। लेकिन देवादेवी क्या करते हैं, ये दुनिया की ऐसे वस्तु देखिए जिसको द्वारा केवल बंधन बंधन झगड़ा, बहू बहू में भाई भाई में केवल झगड़ा झगड़ा कुछ नहीं। इसलिए कहते भैया झोली फैलाओ तो श्री वाक्य बिहार की चरण में ही झोली फैलाओ और कहीं झोली मत फैलाओ, इसलिए इंद्र को बंद कर दिया। दूसरा कारण था ये कृष्ण के मन में इच्छा है कि ये ब्रजवासियों को साथ में 7 दिन तक मैं उत्सव करूं। कैसे करूंगा, बोले जब ये बारिश करेगा मैं गिरिराज उठाऊंगा, सारे ब्रजवासी इसके नीचे आश्रय लेके फिर देने के साथ मिलूंगा। तीसरा कारण है इंद्र का अभिमान है, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मैं बारिश बरसाता हूँ इसलिए घास होता है और ब्रजवासी बचे हुए, अगर मैं नहीं बारिश बरसाऊंगा ना तो भूखे मर जाएंगे। कृष्ण ने कहा तुम्हारी कृपा सी है, अभी तेरे को मजा चाहता हूँ, तेरे सारे अभिमान को अभी मैं उतारता हूँ। चौथा कारण है अभी कृष्ण रास लीला करने वाले, लेकिन कृष्ण अकेले रास नहीं कर सकते हैं जब तक ब्रज गोपियां नहीं हो, इसलिए कृष्ण रास करने के लिए उन्होंने 2 लीला को ठाकुर ने किया है। पहला लीला तो उन्होंने श्री तालियों का सर को ऊपर नृत्य किया। उदाहरण दिया जैसे कोई हीरो अगर किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है वो क्या करता है, वो हीरोइन को सामने वो हीरो कुछ बहादुर दिखाता है, कुछ लोगों को इकट्ठे करके सबके साथ में लड़ाई झगड़ा करेगा, सबके साथ में युद्ध करेगा और युद्ध करते करते सबको परास्त कर देगा। वो हीरोइन देखेगी बल बाबा रे ये तो बड़ा पराक्रमी है, फिर उसका मन अपने आप उसके चरण में लग जाता है। कहते ब्रज का हीरो कौन है, बोले ये एक हीरो है। बोले हीरोइन कौन है, बोले ये ब्रज श्रीमती राधिका, ये हीरोइन है। इसलिए अभी कृष्ण ये ब्रज गोपियों हीरोइन को आकर्षण करना चाहते हैं, क्योंकि इनके बगैर प्रभु रास नहीं कर सकते है, इसलिए उन्होंने 2 लीला की है। एक लीला तो उन्होंने कालियों को सर को ऊपर में नृत्य की है, जब कृष्ण कालिया की सौ फणा था, कृष्ण एक से दूसरे दूसरे से तीसरे नृत्य कर रहे थे, इतने में श्री सारे देवता लोग उतर करके आ गए और भगवान नृत्य कर रहे हैं और सबके सब देवता वाद्य बजा रहे थे। बोले तांडव गति मुंडन कर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन कर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन कर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन कर नाचत गिरिधारी, पम 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 प
सुहागिन की कड़ी इसमें पकौड़ा डाल करके कड़ी बनाते हैं। कड़ी लाए कि नहीं डाल जी बल्कि जैसे पांच तरह का कोई दाल बन रहा है, मूंग की, अरहर की, मटर की, और वहां पर पूर्व कृषि के पांच तरह का दाल बनाए, 15-20 तरह का कोई परठा बन रहा है, गोभी की, आलू की, मूली की है, बथुआ की, मेथी की, पत्थर तरह का परठा बन रहा है, और उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्नकूट मतलब क्या? अन्न मतलब अन्न, कूट मतलब पर्वत, रोटी का पर्वत, रसमलाई का पर्वत, मालपुआ की पर्वत, कचौड़ी की पर्वत, पूरी की पर्वत, सब पर्वत पर्वत आकार में। ब्रज में कितने गाँव बोले? 365 गाँव, तरली बरली सही ऊंचा गाँव नीचा गाँव बैठा करके 365 गाँव, अभी भी ब्रज में 365 गाँव। इतने खाना लाए, पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया, कितने तरह का ड्राई फ्रूट्स, जितने तरह का फल लाए। अभी कृष्ण स्वयं अपना हाथों से पंचामृत के द्वारा गिरिराज के अभिषेक उन्होंने कराए, कृष्ण स्वयं, और मानस गंगा का पानी से उन्होंने ठाकुर जी का अभिषेक करवाया। ठाकुर जी को बड़े सुंदर उन्होंने श्रृंगार की, श्रृंगार करके जितने खाना लाए थे ना, सारे खाने के ऊपर तुलसी दल रख दिए, तुलसी दल रख करके गोपाल मंत्र से कृष्ण स्वयं श्री गिरिराज को उन्होंने भोग लगवाया, क्योंकि गोपाल मंत्र से ठाकुर जी को भोग गोपाल मंत्र में लगती है, हाँ, और किसी मंत्र में नहीं। देखो पहले जिन लोगों ने हरिनाम लिया ना बिजली साहब, वो लोग आज तो कुछ भक्त लोग आके गोपाल मंत्र लेकर गए, जो लोग पहले हरिनाम लिए है, कल भी कुछ लोग बोल रहे थे हरिनाम लेने के लिए, जो लोग चाहते हैं हम माला लेकर भजन करोगे कल जल्दी सवेरे से आ जाना, क्यों हमको यहाँ 9 बजे 9:30 में यहाँ होगा कथा के लिए। अगर आप 8 बजे अगर कोई आ जाओगे इनके घर में माला लेने के लिए जो बोल रहे थे, आप माला को ले लेना, और जो लोग पहले हरिनाम लिए हो आप आकर के ये गोपाल मंत्र ले सकते हो, क्योंकि इसी मंत्र से ही ठाकुर जी को भोग लगता है। इसी गोपाल मंत्र कृष्ण सबसे पहले ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा उसी मंत्र से जगत को सृजन किया, फिर उसी मंत्र को उन्होंने दिया नारद जी को, नारद जी व्यास को, व्यास श्री मध्वाचार्य को, कैसे करते हो ये परंपरा से ये मंत्र आती है। भगवान कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को गोपाल मंत्र से ठाकुर जी को भोग लगाया, और उन्होंने पहले उनके चरण में पुष्प दिया, उनको आसन दिया, पाते उनका हाथ बुलाए, और गिरिराज को आह्वान किया, गिरिराज जी आओ और भोजन करो। जब उन्होंने आह्वान की इतम सघृत नैवेद्य उपकरण श्री गिरिराजाय स्वाहा, इतना बोलते ही सचमुच से श्री गिरिराज स्वयं वहां गिरिराज प्रकट हुए, इतने विशाल रूप धारण किया था जैसे उनका शरीर आकाश को स्पर्श कर रहा था, एकदम आकाश को स्पर्श कर रहा था, और गिरिराज गोवर्धन बोले हे ब्रजवासियों मैं स्वयं ये गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन मेरी सेवा ले, जो केवल एक अन्न का दाना मेरी सेवा में भोग लगा दिया, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ किसी जन्म में कभी घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं होगा, और ये गिरिराज गोवर्धन पूजा की जो अनादर करेगा उसको दरिद्रता भोगना पड़ेगा। स्वयं गिरिराज जी दर्शन दिए, और जो कुछ वहां भोग लगाया था गोपाल मंत्र से भोग लगाया था, गोपाल मंत्र पर। इसलिए देखो यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन है, ये कथा के बाद में ना हम लोग गिरिराज गोवर्धन के परिपाल करना, जब कथा हो जाए ये गिरिराज शिला है उसको अदर बीच में रख लो, इसलिए गिरिराज गोवर्धन आप लोग ने जब कथा समाप्त होगी आप सबके सब इनको गिरिराज शिला यहाँ पर है, यहाँ परिक्रमा लगाने पर आपको गिरिराज परिक्रमा की फल मिलेगी। कृष्ण साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने सब कुछ उन्होंने ग्रहण किया, सब कुछ मिनट में सब कुछ समाप्त कर दिया है, बोले आनो रे और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीब ब्रजवासी आप इसी में ही संतुष्ट हो जाओ, बोले गिरिराज महाराज आशीर्वाद सबको दिया, बोले सबके सब सुखी और जीवन में फलते फूलते रहो। देखो यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन है, अगर आपके मन में कोई इच्छा हो ना आप गिरिराज से प्रार्थना कर सकते हो, गिरिराज सब इच्छा को श्री गिरिराज
पूरी करते ही कृष्ण ने कहा सखाओ सखा जगह भोजन करो चलो हम सबके संस्कृति आज गोवर्धन की हम परिक्रमा लगाएंगे स्वयं ये सारी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान ने परिक्रमा लगाए कैसे परिक्रमा लगाए मेरे को पता सुन लो कैसे भगवान परिक्रमा लगाते हैं सबसे पहले साधु संत सामने थे उसको बाद में जितने गैया भी वो सभी परिक्रमा किए उसको पीछे जितने ग्वाल वाल ब्रजवासी और सबसे पीछे माताएं थी और सबसे पीछे से राधारानी चल रही थी और गिरिराज गोवर्धन के कीर्तन करते करते चल रहे थे इतने में राधारानी सबसे पीछे थी जब थोड़ी दूर परिक्रमा करने के लिए गए ना राधारानी मन मन में सोच रही थी अगर कृष्ण सचमुच से मेरे प्रियतम है तभी मैं अपना प्रियतम समझूंगी अगर कृष्ण आकर को मेरे थोड़ी से स्पर्श कर दो अभी राधा जी के मन की भावना कृष्ण समझ गए बोले कैसे स्पर्श करो तो सबसे पीछे चल रही है और मैं बीच में चल रहा हूँ इतने में कृष्ण ने क्या किया एक बछड़े को लेकर के पीछे मुंह करके ना उनका पूंछ पे एंड दिया वो एंड से ही वो बछड़ा फुदक तो एकदम पीछे चला गया और कृष्ण बछड़े को बहाना बना करते हुए पीछे चले गए और राधा रानी को पीछे से स्पर्श कर लिया और राधा रानी तो प्रेम में गदगद हो गई कृष्ण मेरे मन की भावना समझ गए फिर जब थोड़ी दूर गए फिर राधा जी के मन में इच्छा हो रही है कृष्ण क्या मुझे दर्शन भी देंगे बोले दर्शन कैसे दे इतने में कृष्ण जो गैया चराने वाले जो लकुंड थी ना कृष्ण वो लकुंड को आकाश में फेंकी और कृष्ण बहादुर दिखा तो ये छलांग लगाए जब उन्होंने ये लकुंड को पकड़ने के लिए गए राधा रानी पीछे और कृष्ण छलांग लगाए फिर कृष्ण का दो आग और राधा रानी को दो आग मिलकर के एक हो गए ऐसे ही परिक्रमा बड़ी आनंद से कीर्तन करते करते ये ब्रजवासी सबके सब परिक्रमा कर रहे थे इसलिए आप लोगों की कथा कीर्तन के बाद आप भी परिक्रमा करना गिरिराज को धक्का मुक्की नहीं करना और एक बात सुनो जो वहां पर प्रसाद देते हैं कुछ भाई लोग वहां पर मेरे पास में कुछ बात बताए तो देखो वहां पर बड़ी भीड़ होता है कल इतने भीड़ हो गए थे किसी मैया के नाक से फूल निकल गई इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है वहां बगैर लाइट के कोई नहीं जाए वहां पर भाई लोग खड़े हैं बगैर लाइट के कोई जैसे आपको बोलना नहीं पड़े क्यों लाइन नहीं लगाए इसलिए वहां जरूर लाइन लगा करके गिरिराज का बहुत सारे प्रसाद है कि सारे प्रसाद आपको मिलेगा लेकिन जब आप लाइन लगाओगे और जो लाइन में खड़ा नहीं होगा उसको प्रसाद नहीं मिलेगा इसलिए प्रार्थना है सबके सब लाइन लगा के रखे ही जाए हाँ देखो कल रुक्मिणी के विवाह है अगर कोई अगर रुक्मिणी विवाह में अगर कोई साड़ी देना चाहते हो अगर कोई अच्छा साड़ी दोगे ना हम वृंदावन में राधा रानी को साड़ी पहना है अगर अच्छा कोई आपको साड़ी दोगे तो रुक्मिणी विवाह में अगर जो साड़ी देना चाहते हो कल साड़ी दे सकते हो और कल सुदामा का चरित्र जैसे सुदामा जी उन्होंने चिड़वा लेकर के चावल लेकर गई थी अगर कोई देना चाहते हो आपकी सुदामा के लिए चावल लेकर के आ सकते हो इसलिए कल यही पर 12 बजे तक कथा होगी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक उसको बाद में कथा की विश्राम और उसको बाद में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था रहेगा सभी के लिए और जो कल का जो कथा है ये सार कथा है कल का कथा जो सुनेगा सार्थी कथा सुनने की पूरी कल जो कथा सुनेगा उसको मिलेगा इसलिए कल सबके सब आना तो है परिवारों को लेकर के कल सबके सब आना बोले श्री गिरिराज महाराज की जय जय श्री गिरिराज हाँ जो परिक्रमा है ना थकावट नहीं करना एक एक बार परिक्रमा करना पहले जो एक बार कर ले हट जाए फिर दूसरे व्यक्ति को भी करने के लिए देना ऐसे नहीं थकावट करके परिक्रमा करूंगी छोटी जाएगा अब बहुत सारे भक्त लोग हैं आपसे एक प्रार्थना है देखो हरे कृष्ण अभी ये अक्षय तृतीया आ रही है 8 तारीख को ये अक्षय तृतीया साल का सबसे बढ़िया दिन ये अक्षय तृतीया है क्योंकि उसी दिन भगवान ने ये सृष्टि प्रारंभ की थी उसी दिन आप जो कुछ करोगे आंख बंद करके उसका फल अक्षय है जैसे शादी हो कोई गृह प्रवेश हो कोई तिथि देखना पड़ता है लेकिन अक्षय तृतीया ऐसे एक दिन है सृष्टि का पहला दिन आग बंद करके जो भी काम कर लो काम तुम्हारी बन जाती है उसी दिन वृंदावन में सारे ठाकुर के चंदन के श्रृंगार होता है तो गर्मी ज्यादा पड़ जाता है और मंदिर मंदिर में ठाकुर जी की बड़ी सुंदर झांकी
और साल में एक बार ठाकुर जी की चरण दर्शन मिलता है। इसलिए आप लोगों से हम निमंत्रण दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग अगर कोई अन्य तृतीया गाना चाहते हो आप लोग वृंदावन आ सकते हो। जैसे यहाँ से हमारे भक्त लोग जाएगी, ये भक्त लोग जाएगी, अगर आप इनको अपना पता बताओगे, इनको जाने के लिए बोलोगे, इनको साथ में आप मिल करके आप एक दिन के लिए वृंदावन में अक्षय तृतीया में आ सकते हो। ठीक है, मैं तो आपको पास में आया हूँ, अभी आपको अभी हमारे पास में आओगे। और एक बात बताया था कि महीना महीना नहीं तो 15 दिन में एक बार कोई भक्त आएगा कथा सुनाने के लिए। इसलिए आप लोग अपना फोन नंबर और अपना नाम दे देना। हमारे कहाँ दिया मदन मोहन, कहाँ को और किसको दिया था, कोई किसको 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 कर दे, ट्रांसलेशन हो गया है। अभी जो अपना फोन नंबर दो तीन कापी दे दो। इसलिए आप लोग आ करके अपना फोन नंबर और अपना नाम इनके पास में लिखा करके आप जाना। ठीक है, हाँ अभी ऐसे कर सकते हो, ये पहले जैसे कोई जो दे तो दो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास कोई कागज होगा ना जिसे कल आओगे, अपना कागज में अपना फोन नंबर और अपना नाम इनको लिख करके दे देना, ये मैसेज कर देंगे। अमुक दिन एकादशी है, अमुक दिन यहाँ पर हम कथा करेंगे, ये आपको मैसेज करते रहेंगे। ठीक है, अभी प्रभु जी गिरिराज गोवर्धन की भजन गाएंगे, हम थोड़ी थोड़ी व्यक्ति गिरिराज की एक एक बार परिक्रमा करना। ठीक है, सब खड़े हो जाओ, गिरिराज गोवर्धन की पूजा में सब देखो धक्का मुक्ति। बोलो गिरिराज महाराज की जय। Let's go.
I'm